इस सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों, मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बैतूल के जिलाधिकारी माननीय श्री अरुण भाई, मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा बहन, मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री विवेक भाई। विवेक भाई और पुष्पांजलि बहन दोनों हमारे भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी हैं। उनके साथ श्री दीपेंद्र भाई, श्री प्रथपाल भाई और विशेष रूप से बैतूल इकाई भारत स्वाभिमान की जो है उसकी संरक्षिका माता श्रीमती गोदावरी जी और रमेश भाई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विशेष रूप से आज इस व्याख्यान समारोह में मेरे पूज्य माता पिता उपस्थित हैं, उनको चरण वंदन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ। आप सभी के बीच में मैं यहाँ आ सका इसके लिए विशेष रूप से मैं श्री खंडेलवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और मुझे यहाँ बैतूल में बुला लिया। बार बार उनका फ़ोन मेरे पास गया, वो स्वयं मुझे मिलने के लिए हरिद्वार भी आए। हरिद्वार आकर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि मुझे एक दिन ज़रूर समय निकाल कर बैतूल आना है। उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मेरे दिल में भी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं बैतूल फिर से जाऊं, क्योंकि एक बार आज से कुछ 12-13 साल पहले मैं बैतूल आया था, उसके बाद बीच में नहीं आ सका, तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है। तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए, ईश्वर की कोई कृपा हो गई, उनकी कोई योजना है जिसके तहत मैं यहाँ आ गया आपसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आप सभी को भारत स्वाभिमान के बारे में पता है, फिर भी रेखांकित करने के लिए 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अपने देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है। सारे देश के 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता, योग शिक्षक इस अभियान में सहभागी हैं। आने वाले लगभग 5-6 महीनों के बाद करीब 11 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अभियान के सदस्य बनेंगे, ऐसा विश्वास है, ऐसी योजना भी चल रही है। और 5 करोड़ से ज़्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभियान में हमारी ताकत बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाभिमान अभियान को हम सफल बनाना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान हमने शुरू किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या, क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज़ादी मिलने के 62 साल के बाद भारत स्वाभिमान जैसी बात करने की ज़रूरत क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूँगा। आपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को जाना और पहचाना है इस बात से कि उन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अभियान चलाया हुआ है। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में सदा निरोगता रहे, इसके लिए ये अभियान चल पड़ा है। अब इस अभियान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का भी अभियान शुरू कर दिया है। तो पहला अभियान जो निरोगी रखने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है, वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा अभियान जो है वो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत स्वाभिमान का है। अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अपने देश की समस्याओं का समाधान हो, अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाव हो,
अपने देश की सारी छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाएं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाएं। भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए। हमारे देश में पिछले 250-300 साल की गुलामी जो अंग्रेज़ों की आई उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, और पिछले 1000 साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर उनके कारण हम में कुछ खराबियां आ गई हैं। तो जो खराबियां हम में आई हैं वो दूर हो जाएं और हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बेहतरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाभ मिले, दुनिया को भी उसके बारे में जानकारी हो, इस दृष्टि से ये भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया गया है। इस भारत स्वाभिमान के कुछ उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है, जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलना। तीसरा उद्देश्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। चौथा उद्देश्य है हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण, भारतीयकरण करना। पांचवा उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। छठा उद्देश्य है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको जड़ मूल से नाश करना, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, व्यसन के अधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं इनकी समाप्ति करना। सातवां उद्देश्य है भारत देश के पर्यावरण को और ज़्यादा बेहतर बनाना। आठवां उद्देश्य है इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की जो परिस्थिति बन गई है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। और नवा उद्देश्य है हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाना। ये 9 उद्देश्यों के लिए भारत स्वाभिमान बना है, इन्हीं की पूर्ति के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं तो आज़ादी के 62 साल में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है? हम लोग अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का मादा रखते हैं, काफ़ी कुछ आप देश के बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा अध्ययन और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन उद्देश्यों के लिए आज़ादी लाई है वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं। अगर कुछ क्रांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूं, तो इस देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो क्रांतिवीरों में जिनकी गिनती होती है, अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंद्रनाथ सान्याल, अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित रामप्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद हमारे देश के अशफाक उल्ला, अमर शहीद अजीमुल्ला, ऐसे 732,000 शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, बलिदान किया, उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूँ तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और आज़ादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेज़ों ने पैदा की हैं वो भारत की व्यवस्था समाधान करे। अंग्रेज़ों की पैदा की गई गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच आदि की सामाजिक हमारी समस्याएं, इन सब का समाधान हमारे शहीद चाहते थे। भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, आप जानते हैं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने हमारे देश के एक क्रांतिकारी
लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा था कि श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के, अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कार्यक्रम में लाला लाजपत राय शामिल थे। उनके ऊपर लाठियां बांधी गईं, सिर पर उनके लाठियां बरसाई गईं, परिणाम ये हुआ उनकी मृत्यु हुई। जिस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम किया उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह ने उनको मार देने का, ख़त्म कर देने का संकल्प किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया, सैंडर्स को गोली मारी। उसके बाद भगत सिंह ने हमारे देश की संसद में बम फेंका था, वो आप भी जानते हैं, और संसद में बम फेंका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद भगत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर जेल में रखा गया। 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, व्याख्यान दे नहीं सकते, भाषण हो नहीं सकता। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहाँ से ले जाया है, ले गए हैं अंग्रेज यहाँ से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हों, साधारण से साधारण आदमी हों, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, वो 1924 में बनाया था। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इसके उपाध्यक्ष थे मन्मथनाथ गुप्त, इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आज़ाद, और इसमें 14 और क्रांतिकारी शामिल थे। सचिंद्रनाथ लाहड़ी थे इसके, वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये संगठन का भी घोषणा पत्र 1924 में आया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आज़ादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था, वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था। थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी स्वराज्य नहीं आएगा। और ऐसे एक एक नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लेके मैं आपसे कह सकता हूँ। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने एक घोषणा पत्र 1857 में लिखा था जब आज़ादी का पहला संग्राम इस देश में हुआ था। उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थीं, अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था ख़त्म हो जाए, स्वदेशी व्यवस्था हो, गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो। ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूँ, वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। किसी ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया तो किसी ने 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी। अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने।
तो खुदीराम बोस रहे हों जिनकी 16 साल की उम्र में फांसी हो, या शहीद भगत सिंह हों जिनकी 23 साल की उम्र में फांसी हो, या चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो 25-26 साल की उम्र में हुई, सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दांव पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, सुवर्ण युग होता है, जवानी का समय होता है। अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया, और ऐसे एक दो क्रांतिकारी नहीं थे, 7,32,000 थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, कित्तूर चेन्नम्मा हो, रानी दुर्गावती हो, किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए, समाज के लिए, और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम इस देश में आज़ाद हो पाए हैं। हमारे देश में क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे, महात्मा गांधी उनके नेता थे। दूसरी क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करना चाहते थे हिंसा के रास्ते से। मेरा ऐसा मानना है कि एक कैंची होती है ना, कैंची, उसके दो हिस्से होते हैं। ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को अगर हम कैंची माने तो इस कैंची के दो हिस्से थे, एक अहिंसावादी क्रांतिकारी, दूसरे हिंसा को मानकर काम करने वाले क्रांतिकारी। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य के तारों को काटा था। दोनों का ही योगदान इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को कम करके नहीं आंका जा सकता। गांधी जी के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों ने भी अपना जीवन दांव पे लगाया था, और उनके कहने पर अपना सारा सुख सुविधाएं परिवार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो इन सारे के सारे क्रांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आज़ादी के लिए। अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम उस सपने का अगर मूल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी किसी क्रांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी कहते थे कि आज़ादी के बाद ग्राम स्वराज्य आएगा, ग्राम राज्य आएगा, लेकिन नहीं आया। भगत सिंह का कहना था आज़ादी के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि आज़ादी के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। ऊधम सिंह कहा करते थे कि आज़ादी के बाद हर गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा, नहीं मिल पाया। किसी भी क्रांतिकारी के जितने सपने उन्होंने देखे थे उसमें से किसी एक का भी हम मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या फिर इस देश में? अगर हम देखना चाहें तो क्रांतिकारियों के सपने अगर पूरे नहीं हुए तो इसका माने तो आज़ादी अधूरी है, पूरी नहीं है। अगर लोकमान्य तिलक स्वदेशी और स्वराज्य की बात किया करते थे तो भारत की आज़ादी के 62 साल के बाद ना तो इस देश में स्वदेशीपन है और ना ही स्वराज्य की स्थापना हुई है। अगर हमारे क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे तो आज़ादी के बाद तो हमने कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की है। स्वतंत्र अगर एक शब्द को ध्यान दें तो इसमें स्व है अपना, तंत्र माने सिस्टम, अपना तंत्र, अपना सिस्टम। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता की बात जो समझने के लिए हम कहें तो हमने तो कोई अपना सिस्टम नहीं बनाया, हम तो अंग्रेजों के सिस्टम में ही सारा का सारा काम कर रहे हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, ताज्जुब होगा। मैं जब इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन और अभ्यास करता हूँ तो इतना दुख होता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए जितने तरह के कानून बनाए, जितने तरह की नीतियाँ बनाई, वो सारे के सारे कानून, सारी की सारी नीतियाँ ज्यों की त्यों चल रही हैं, उनमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी संशोधन नहीं हुआ। उदाहरण दूं आपको मैं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए 34,735 कानून बनाए। उनमें से एक कानून है जिसका नाम है IPC, हम उसे कहते हैं इंडियन पीनल कोड। दूसरा कानून है CPC, जिसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तीसरा कानून है CRPC, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के ज़माने के हैं, इसमें कोई रद्दोबदल हमने नहीं किया है। इंडियन पीनल कोड जो है ना, वो तो नकल है आयरिश पीनल कोड का।
अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश आयरलैंड को गुलाम बना के रखा हुआ है। आपको मालूम है इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है, उसका नाम है आयरलैंड। वो स्वतंत्र देश है, लेकिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर उसको 1100 साल से अपने कब्जे में रखा हुआ है। आयरलैंड अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया, और आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए 1100 साल से अभियान चल रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड। दुर्भाग्य से उसी की फोटोकॉपी है इंडियन पीनल कोड। जब मैंने आयरिश पीनल कोड की कॉपी खरीदी और इंडियन पीनल कोड तो हमें मिल जाता है, दोनों को सामने रखकर अध्ययन करना शुरू किया, तो एक भी कॉमा फुल स्टॉप हमारे यहाँ बदल नहीं है। बस अंतर इतना है कि आयरिश पीनल कोड में जहाँ आई का मतलब आयरलैंड है, इंडियन पीनल कोड में आई का मतलब इंडिया है। बस इतना ही अंतर है, कोई दूसरा अंतर नहीं। मैं आपको एक ऐसी बात कहने के लिए यहाँ आया। अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने ये ड्राफ्ट किया आईपीसी, और इसकी ड्राफ्टिंग हुई सबसे पहले 1840 में, लागू हुआ 1860 में। ड्राफ्टिंग करते समय मैकॉले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स को, क्योंकि मैकॉले को वहीं से भेजा गया था। उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद लिख रहा है, और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा। और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारतवासियों के न्याय के लिए ये बनाया गया है, उन्हीं को ये कानून सबसे ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा। चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी न्याय व्यवस्था कुछ हुआ करती थी, उसको ये संपूर्ण जड़ से खत्म कर देगा। और पांचवी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तभी हमारा राज्य भारत पर मजबूती से स्थापित होगा। आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकॉले ये कह रहा है, और उसकी बात आज़ादी के 62 साल के बाद हमें सच होती हुई दिखाई दे रही। आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है, जिसके आधार पर इस देश में न्याय व्यवस्था चल रही है। परिणाम जानते हैं क्या है? इस न्याय व्यवस्था में 3.5 से 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में, उनके फैसले नहीं हो पा रहे। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद है, लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। कारण क्या है? आईपीसी का आधार ही ऐसा है कि वो न्याय नहीं दे सकता। और एक गहरी बात मैकॉले कहता है, वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको न्याय मिले। न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा, उनके मुकदमों का फैसला होगा, न्याय नहीं मिलेगा। मुकदमे का निपटारा होना अलग बात है, केस का डिसीजन आना एक अलग बात है, केस का जजमेंट आना एक अलग बात है, और न्याय मिलना बिल्कुल अलग बात है। तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो न्याय मिलेगा नहीं। अब इतनी साफ बात जिस मैकॉले ने आईपीसी के बारे में लिखी है, उस आईपीसी को हिंदुस्तान की संसद ने आज़ादी के 62 साल के बाद भी नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। यही हाल सीआरपीसी का है, यही हाल सीपीसी का है, यही हाल हिंदुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 का बना हुआ ये कानून है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारतवासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए। आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही हो रहा है, दमन और अत्याचार। इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये गुलामी के दौर का कानून है। इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाए 62 साल के बाद। एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है, जिसमें इतना ही संशोधन हुआ है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट से होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है, बाकी उसमें कुछ बदला नहीं है। वैसे की वैसी धाराएं, वैसे के वैसे सारे बंद और उपबंद उस कानून के हैं।
एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, बड़ा अद्भुत कानून है। साधारण आदमी लकड़ी नहीं काट सकता, अगर काटे तो जेल हो जाए उसको। भारत का कोई साधारण आदमी गलती से जंगल में चला जाए और कुछ लकड़ी ले आए, क्या करने के लिए? चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाकर अगर ये काम करे तो अपराध है। लेकिन कोई ठेकेदार इस देश में जंगल के जंगल साफ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। जंगल के जंगल साफ कर। हमारे देश में एक अमरीकी कंपनी है जो ये काम करती है, उसका नाम है ITC, पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी। ये कंपनी सिगरेट बनाती है। आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। ये कंपनी हर साल हिंदुस्तान में 200 अरब सिगरेट बना के बेचती है और ये कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काटती है। इस कंपनी के किसी अधिकारी को आज तक जेल नहीं हुई है, फांसी पे नहीं लटकाया गया है। क्यों? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो जंगल के जंगल काट सकता है, लेकिन साधारण आदमी जंगल से एक लकड़ी नहीं उठा सकता। आपका जो मध्य प्रदेश है ना, इसके जबलपुर हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। मैं उस मुकदमे में एक तरह से हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति बना हुआ हूँ। वो मुकदमा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बूढ़ी महिला है, जबलपुर में रहती है, उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया हुआ है। आरोप क्या है? उसने जंगल से लकड़ी चुराई। उस महिला को जब अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने उसने एक ही सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस महिला ने यह कहा था कि मैंने लकड़ी चुराई रोटी बनाने के लिए, और रोटी बनाने के लिए अगर मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या दोनों हाथ जलाऊं अपने चूल्हे में? किसी के पास जवाब नहीं। और हमने उसकी वकालत करते हुए कोर्ट के सामने कहा कि इस महिला ने दो लकड़ी चुराई है और चूल्हे में जलाई है और दो रोटी बनाई है, तो इसको जेल भेजने की आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ITC नाम की कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काट रही है, उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत आपके अदालत में भी नहीं है। क्यों? पैसे वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। तो कानून जो बने हुए हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि साधारण आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं, साधारण आदमी को जितना दुख दे सकते हैं दे दो, विशेष आदमी को आप छू भी नहीं सकते उस कानून की ताकत से। ऐसा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट है। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक ही काम करने के लिए कि भारत के किसानों के पास जितनी जमीनें हैं वो सब छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। डलहौजी आया और उसने इस देश में एक कानून बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन का अधिग्रहण करने का कानून। इस कानून को उसने भारत में लागू कराया। उस कानून के लागू होते ही भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी गईं। जो जमीनें किसानों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से कोई जमीन लेकर इस देश में नहीं आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई एक कानून के चलते। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो क्या करता था, गांव-गांव जाता था, अदालतें लगाता था और वहां ऐलान किया जाता था कि सब लोग जमीन के अपने कागज लेके आए। कोई किसान है, उसकी 2 बीघा जमीन है, किसी की 5 बीघा जमीन है, किसी की 7 बीघा जमीन है, तो किसानों को कहा जाता था कागज लेके आओ और ये दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी है। अब हिंदुस्तान में जमीन कभी भी कागजों पर लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि कागज पर लिखकर हम कोई चीज नहीं रखते इस देश में। हमारे यहाँ वो परंपरा से होता था। पिता ने अपने बेटे को जमीन ट्रांसफर की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की, ऐसे हजारों साल से जमीन ट्रांसफर हुआ करती थी। डलहौजी ने कानून बना दिया कि जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, जमीन उनकी नहीं है,
वो सारी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी की है। एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनी गई। परिणाम क्या हुआ? इस हिंदुस्तान के करोड़ों किसान भूमिहीन हो गए। डलहौजी के आने के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी। डलहौजी ने आकर हिंदुस्तान के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया, सारी जमीनें छीन ली और वो जमीन सरकार की हो गई। अब होना क्या चाहिए था? आज़ादी आने के बाद 1947 में ये कानून पलट जाना चाहिए था। लैंड एक्विजिशन एक्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस देश के काले अंग्रेजों ने उस कानून को ख़त्म नहीं किया, वो आज भी चल रहा है और आज भी हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। बस अंतर इतना है कि पहले जमीन छीनने के लिए जो काम अंग्रेज सरकार किया करती थी, अब जमीन छीनने के लिए वही काम भारत की सरकार किया करती है। पहले जमीन छीनकर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को भेंट किया करते थे, आज हमारी सरकारें हमारी जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को भेंट कर रही हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसी जमीनों पर बनाए जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीनें छीनी जा रही और बेदर्दी के साथ छीनी जा रही हैं। सरकार को लगता है कि इस गांव की जमीन हमें ले लेनी है, तो फिर दूसरा विचार ही नहीं आता, सीधे नोटिस उस गांव के दरवाजे पर चिपका दिया जाता है कि ये जगह खाली करो। लोग कहते हैं हम हजारों साल से यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरे गांव में जाकर रहो, विस्थापन करो, अपनी जगह से उजड़ जाओ, अपने गाँव से उजड़ जाओ, अपने परिवार से उजड़ जाओ, सरकार को ये जमीन चाहिए। क्या करने के लिए? इस पर शराब का कारखाना लगाना है, इस पर जुआ घर खोलना है, इस पर कोई सिनेमा घर बनाना है या कोई भी काम करना है। लोगों की हाँ या ना का कोई फर्क नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। जिनकी जमीन है उनकी हाँ और ना का कोई प्रश्न नहीं, सीधे नोटिस और नोटिस के बाद जमीन खाली करो। ऐसे ही अत्याचार करके अंग्रेज जमीन छीना करते थे और जब लोग मना कर देते हैं अपनी जमीन से हटने के लिए तो पुलिस आती है, मार मार के डंडे उनको वहां से हटाती है, हाथ पैर उनके तोड़े जाते हैं, सिर उनके फोड़े जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं। ये हमारी आंखों से हम देखते हैं आज़ादी के 62 साल में। इसी देश में नंदीग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगूर होते हैं, जहाँ के लोग चाहते नहीं कि हम हमारी ज़मीन को छोड़ें, वहाँ गोलियाँ चलाकर लाठियाँ बरसाकर उनसे ज़मीनें छुड़वा ली जाती। आपको लगता है ये देश आज़ाद हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अंग्रेजों की सरकार ऐसा अत्याचार करती थी, बर्बरता करती थी जमीन छीनने के लिए, हमारी सरकार भी वही अत्याचार करे, वही बर्बरता करे। और किसानों से ज़मीनें छीनी जाती हैं तो उसकी कीमत सबसे कम लगाई जाती है, फिर वही ज़मीनें उद्योगपतियों को जब बेच दी जाती हैं तो उनकी कीमत सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है। किसानों से जो ज़मीन खरीदी जाती है 10-15 हज़ार रुपये एकड़ में, वही जब उद्योगपतियों के हाथ में पहुँचती है तो 15,000 रुपये स्क्वायर फिट की ज़मीन हो जाती है। बीच का सारा मुनाफा या तो उद्योगपति खाता है या उनका कोई दलाल खाता है या सरकारी लोग खाते हैं, किसान के पास तो वही थोड़े से पैसे आते हैं। किसानों की जमीन का भाव किसान तय नहीं करता, सरकार तय करती है। उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये किसानों से नहीं पूछा जाता, वो सरकार तय करती है। ऐसे हमारे देश में 34,735 कानून है, लैंड एक्विजिशन का हो या इंडियन पीनल कोड हो या सिविल प्रोसीजर कोड हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो। आपको तो सुनकर हैरानी होगी, आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, इसका एक कानून है, उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आज़ादी के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर पाए और यही कारण है, अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सकें, इस हिसाब से वो कानून की ड्राफ्टिंग की गई है।
कि विदेश से आकर, इंग्लैंड से आकर, लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है। इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी। आज़ादी के बाद हमने उसमें थोड़ा भी संशोधन नहीं किया तो कोई भी विदेशी भारत में आके नागरिक हो सकता है, और नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है तो एमपी एमएलए हो सकता है, एमपी एमएलए हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो आज़ादी का मखौल नहीं तो क्या? दुनिया के किसी देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में जाएं, रहना शुरू कर दें, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो। आप कनाडा में जाएं, कनाडा के संविधान का अध्ययन करें, कनाडा के संविधान के अनुसार आप कनाडा की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्म स्थान कनाडा ना हो। ब्रिटेन में चले जाइए, वहां भी यही है। फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, दुनिया में 200 देश हैं, लगभग 2-3 देशों को छोड़कर सभी देशों में ये नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते आप उस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। कानून है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसमें यह व्यवस्था है। अब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं। 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत को गुलाम रखने के लिए 1000 साल तक उन्होंने एक व्यवस्था की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दुर्भाग्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रोविजन आज़ादी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगे हुए हैं, चल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। मैं आपको एक हंसी की बात कहना चाहता हूँ, है वो बहुत गंभीर। आज़ाद हो गया तो 50 साल तक इस देश की संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, आपको याद है, 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता था। एक बार मैंने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को ये प्रश्न किया कि बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है, संसद तो सवेरे 10 बजे चलती है, 11 बजे चलती है, शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है, संसद जब खत्म होने वाली होती है तो शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है। तब उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के जमाने का नियम है। अब अंग्रेज जब इस देश की संसद में बैठते थे दिल्ली में, 1927 से अंग्रेजों ने संसद में बैठना शुरू किया, तो इस संसद में अंग्रेज बैठा करते थे, तो यहां जब शाम के 5 बजते हैं तब लंदन में सवेरे के 11:30 बजते। अब लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए एमपीज को भारत का बजट सुनना होता था, तो इसलिए यहां शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था ताकि सवेरे 11:30 बजे वो लोग सुन सकें। ठीक है, 1947 के पहले ये चलता था तो हमने मान लिया, 1947 के बाद 50 साल तक ये क्यों चलता रहा इस देश में, क्यों नहीं बदला हमने इस नियम को? जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजों के जमाने का नियम है, तो मैंने कहा अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि हमारे जाने के बाद भी इसे मत बदलना, हमारी अकल नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमको समझ नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुनाने के लिए होता था, अब हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। और जब ये बहस संसद में हुई तो किस दिन हुई, हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल का एक उत्सव हुआ था संसद में, आप याद करिए, रात को 12 बजे 1997 में विशेष अधिवेशन हुआ, उस समय चंद्रशेखर ने ये मुद्दा उठाया और बहुत हंगामा हुआ संसद में इस पर। तब जाकर सरकार ने ये माना कि हाँ 50 साल से हम गलती कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब इसको सुधारा जाएगा। तो अगले साल 1998 से बजट सवेरे 11 बजे पेश होने लगा। माने इस छोटी सी व्यवस्था को बदलने में 50 साल लगा, 50 साल।
सोचिए हमारी आजादी का क्या अर्थ है। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट्स मित्र हैं उनसे माफी मांगते हुए ये कह रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं, क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में? सफेद नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, और कोई रंग ही नहीं है, काला ही कोट पहनना है, और वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहां पर तापमान 45 डिग्री 47 डिग्री 50 डिग्री हो। पचास डिग्री तो हो ही जाता होगा बैतूल में गर्मियों में, क्योंकि बैतूल तो विदर्भ के नजदीक है, विदर्भ तो सबसे गर्म इलाका है, नागपुर 50 डिग्री तो आराम से क्रॉस कर जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस देश में रहता हो वहां के वकील काला कोट पहनकर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तरबतर होते जाएं और उनके कोट पर पसीने से सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाएं पीछे कॉलर पर, और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आए कि कोई 3 मीटर दूर खिसक जाए। लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है अंग्रेजों की अदालत में काला कपड़ा पहनकर न्यायपालिका के लोग बैठा करते हैं, और उनके यहां स्वाभाविक है क्योंकि वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 0 से नीचे, भयंकर ठंड है, तो भयंकर ठंड है, बर्फ पड़ती है, साल में 6-8 महीने बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ने वाले देश में जहां बहुत ठंड होती हो वहां काला कोट ही पहनना पड़ेगा क्योंकि वो गर्मी देता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खींच के अंदर डालता है, इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहनकर अदालत में बहस करें तो समझ में आता है, हिंदुस्तान के गर्म देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें। 1947 के पहले होता था समझ में आता है, 1947 के बाद भी चल रहा है। हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें, बदल लें? सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है, हाई कोर्ट की बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल है, सभी बार काउंसिल मिलके 1 मिनट में फैसला कर सकती हैं कि कल से हम ये काला कोट नहीं पहनेंगे। वो तो भला हो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का। हमारे देश में पहले क्या होता था ना, अंग्रेज न्यायाधीश होते थे तो सिर में टोपा पहन के बैठते थे, वो भी काला होता था, उसमें नकली बाल होते थे, पूरा टोपा लगा के अंग्रेज बैठा करते थे। आज़ादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगाकर यहां बहुत सारे जज बैठते रहे हैं इस देश की अदालत, और अभी तो यहां क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया, ऊपर से काला पैंट पहन लिया, बो लगा लिया, सब एकदम टाइट कर दिया, हवा अंदर बिल्कुल ना जाए, और फिर मांग करते हैं कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये कोट उतार के फेंक दो ना, एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है? और उसके ऊपर एक गाउन और लाद लेते हैं, आपने देखा है वो नीचे तक लहंगा फैलता हुआ। ऐसी विचित्रताएं आजादी के 60 साल में इस देश में दिखाई। मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आजादी के 62 साल में हमने मिटाया नहीं, सबको संभाल के रखा है, सहेज कर रखा है, और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का झंडा फहराते रहते हैं, 26 जनवरी मनाते रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता का माने होता अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना। आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया 62 साल में, बताएं ना। सब अंग्रेजों की बनाए गए नियम कानून व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजियत की व्यवस्था जो चली आ रही है 250 साल से 300 साल से, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। आजादी के समय जब इस देश में बहुत सारे वकील हुए जो आजादी की लड़ाई के नेता थे, आप जानते हैं महात्मा गांधी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे,
हमारे देश में एक बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वकील थे, लाला लाजपत राय वकील थे, विपिन चंद्र पाल वकील थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वकील थे, बड़े वकील नेता इस देश में हुए। उन्होंने उस जमाने में काले कोट का बहिष्कार किया, अंग्रेजों की पोशाक का बहिष्कार किया। आपको मालूम है महात्मा गांधी अदालत में जब बहस करने के लिए खड़े होते थे एक दिन भी काला कोट नहीं पहना, और उन्होंने अंग्रेजों का टोपा भी नहीं लगाया। वो अपनी पगड़ी बांधकर अदालत में जाते थे बहस करने के लिए, भले ही जज से झगड़ा करना पड़े। और एक बार एक अंग्रेज जज ने, जो खपती था बहुत, गांधी जी को इसके लिए सजा सुनाई थी। गांधी जी ने कहा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी पगड़ी नहीं पहनूंगा, पहनूंगा तो भारतीय पगड़ी ही पहनूंगा। सजा ली उन्होंने, उसके लिए सजा खाई। एक बार तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे, और वही लोकमान्य तिलक थे, बराबर मराठी पगड़ी बांधकर अदालत में खड़े होते थे। जज उनसे चिढ़ता था, जलता था, वो कहता था कि आपकी ये पोशाक बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पोशाक तो यही है, आपको हिंदुस्तान में रहने की तमीज नहीं है, आप इस देश को छोड़कर जाइए, क्योंकि इस देश की पोशाक ही है। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय में जो भारतीय वकील थे उनमें इतनी हिम्मत थी कि अंग्रेजी पोशाकों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी हैट का बहिष्कार किया। लेकिन आजादी के बाद के इन वकीलों का क्या हो गया? ये क्यों नहीं बहिष्कार करते इस अंग्रेजी पोशाक का? क्यों ढो रहे हैं इस परंपरा को? मुझे दुख और अफसोस इसी बात का है। अंग्रेजी सारे कानून, अंग्रेजी सारे नियम, अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं आजादी के बाद भी चल रही हैं। तो भारत स्वाभिमान नाम का जो अभियान हमने शुरू किया है उसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये अंग्रेजों के जमाने की जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं इन सभी व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए। और हम मानते हैं सच्ची आज़ादी और पूर्ण आज़ादी तभी आएगी जब अंग्रेजों की व्यवस्थाएं और अंग्रेजों के कानून बदल जाएंगे इस देश में। याद आ गया तो एक कानून का जिक्र करता हूं। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया इस देश में, आपको मालूम है उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, है ना, अंग्रेजों के समय का ये कानून। अब मोटर उस जमाने में अंग्रेजों के पास हुआ करती थी, हिंदुस्तानियों के पास तो मोटर होती नहीं थी। तो मोटर व्हीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में कभी किसी अंग्रेज अधिकारी की मोटर को चलाते समय उसके नीचे कोई भारतीय आकर दब गया, कुचल गया, मर गया तो इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर सजा करनी ही पड़े तो कम से कम होनी चाहिए। साल भर की जेल हो जाए, डेढ़ साल की हो जाए, दो साल की हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसको जो है मर्डर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मर्डर में तो चले जाएंगे आप 302 में, वहां तो हो जाएगी फांसी या तो हो जाएगी आजीवन कारावास। तो अंग्रेजों ने मोटर व्हीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय यह ध्यान रखा कि अंग्रेजों की मोटर के नीचे दबकर कुचलकर कोई भी हिंदुस्तानी मरे तो लंबी और कठोर सजा ना मिले। वही व्यवस्था आजादी के 62 साल के बाद भी चली आ रही है। आज भी मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर चलाते समय आपकी कार के नीचे कोई आ गया, मर गया तो आपको ना तो फांसी होगी ना आजीवन कारावास होगा। क्यों? अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है। परिणाम जानते हैं क्या होता है? हर साल इस देश की मोटरों के नीचे आकर 1.5 लाख लोग अपने प्राण गंवा देते हैं, और इन 1.5 लाख लोगों को कुचल देने वाले किसी भी एक व्यक्ति को आज तक फांसी नहीं हुई, आजीवन कारावास नहीं हुआ। और कई केसेस तो ऐसे हैं कि अदालत ने कुचलने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको मालूम है संजीव नंदा का केस, जिसने खूब समझबूझकर, जानबूझकर अपनी मोटर दिल्ली के फुटपाथ पर सोए हुए 8 लोगों के ऊपर चढ़ा दी, 8 मर गए, संजीव नंदा को अदालत ने बाइज्जत बरी किया था। अदालत का क्या कहना था? हम क्या न्याय दे सकते हैं? कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है तो हम वही कर सकते हैं इस कानून के आधार पर कोई फैसला, न्याय तो हम दे ही नहीं सकते।
उसी कानून के आधार पर सलमान खान अभी तक 6 लोगों को जिंदा मार चुका है, लेकिन सलमान खान को ना फांसी हो रही है ना आजीवन कारावास हो रहा है, छुट्टा घूम रहा है। थोड़े दिन बंद हो गया, फिर बाहर आ गया, क्योंकि इसमें बेल हो सकती है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में हो सकती थी, क्योंकि मोटर उस समय अंग्रेजों की ही हुआ करती थी। ये व्यवस्था है हमारे देश। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानूनों के आधार पर किसी भी भारतीय को न्याय मिल नहीं सकता। और एक उदाहरण बताता हूं, अंग्रेजों ने क्या विचित्रता की इस देश में। एक कानून बना दिया इस देश में कि आप गाय को बैल को डंडे से मारोगे तो आपको जेल होगी। सुनिएगा ध्यान से, गाय को बैल को भैंस को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी, क्योंकि आप उस प्राणी के खिलाफ क्रूरता कर रहे हैं, ठीक है। और इसी देश में दूसरा कानून बना दिया कि गाय को गर्दन से काटो, उसका मांस निकालो, बाजार में बेचो तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि आप इस देश की एक्सपोर्ट इनकम बढ़ा रहे हैं। गाय को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी। गाय को गर्दन से काट दो, आरी से रेत दो, उसकी गर्दन को अलग कर दो, चाहे तो हलाल करो चाहे तो झटके से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डंडे से मारो तो जेल में चले जाओ, गर्दन से काटो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो परिणाम क्या हो रहा है, 4.5 करोड़ कत्ल खाने चल रहे हैं हर साल, करोड़ों गायों की गर्दन कट रही है, उनका मांस हिंदुस्तान से विदेशों में बिकने के लिए जा रहा है, मांस का निर्यात करने वालों को गोल्ड मेडल मिल रहा है, सरकार उनको सुविधाएं दे रही है। आपको मालूम है इस देश में क्या नीति है केंद्र सरकार की? अगर आप मांस के लिए कत्ल खाना बनाना चाहते हैं, मांस निर्यात करने के लिए, तो कत्ल खाना बनाने के लिए जितना भी बैंक से लोन मिलेगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कत्ल खाना बनाएं तो, लेकिन गाय पालन करने के लिए, दूध का व्यवसाय करने के लिए आप गाय खरीदना चाहें तो कोई बैंक आपको कर्ज नहीं देगा। दे दे तो मैं जो आपको हारने को तैयार हूं। मैं गाय का दूध बेचना चाहता हूं, दूध का व्यवसाय करना चाहता हूं, बैंक के सामने कर्ज मांगने जाऊं तो बैंक कहेगा देशी गाय पालोगे तो कर्ज नहीं मिलेगा, विदेशी पालो। लेकिन उसी गाय को काटने के लिए न्याय माने कत्ल करने के लिए, मांस निर्यात करने के लिए कारखाना बनाऊं, करोड़ों रुपए का बैंक मुझे कर्ज दे सकती है बिना किसी इंटरेस्ट के, और उसके बाद कर्ज को भी सरकार माफ कर सकती है सब्सिडी के रूप में। ऐसे कानून हैं इस देश में, और इन कानूनों के चलते आप कहें न्याय मिल जाए इस देश में, कैसे मिलेगा? न्याय तो कुछ अलग चीज है, कानून का फैसला दूसरी अलग चीज है। हमारे देश में कानून बना हुआ है, चल रहा है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारोगे तो हत्या है, जन्म के बाद मारोगे तो 302 का केस बनेगा और फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाए। जन्म के पहले मारोगे तो कोई खास बात नहीं है, वो आपका मेडिकल प्रोफेशन है। तो इसका परिणाम जानते हैं क्या है? हर साल 1 करोड़ कन्या भ्रूणों की हत्या इस देश के डॉक्टर कर डालते हैं, आने नहीं देते उनको जीवन में, क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे एक नहीं दो नहीं 34,735 कानून हैं, सबके सब अंग्रेजों के जमाने के हैं, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं, भारत स्वाभिमान के लोग मानते हैं कि आजादी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तिरंगा झंडा फहराने का नाम आजादी नहीं है, जनगणमन गा लेने का नाम आजादी नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर सावधान की मुद्रा में कुछ गा लेने का नाम आजादी नहीं है, क्योंकि खाली तिरंगा झंडा फहराने की बात होती है वो तो 1937 में फहरा लिया था हमने। इस देश में एक महिला हुआ करती थी भीकाजी कामा करके, उन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा 1937 में फहरा दिया था। अगर तिरंगा झंडा फहराने से ही आजादी आती तो वो तो 1937 में ही आ जाती। आजादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का,
जिसमें आप गुलामी की एक एक इकाई को, एक एक निशानी को उखाड़ फेंकते हैं, उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी, वो तो हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम मानते हैं आजादी अधूरी है। इस अधूरी आजादी को पूरा करना है, इसको संपूर्ण आजादी में बदलना है, स्वतंत्रता में बदलना है, स्वराज्य में बदलना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हमने शुरू किया है। और हमारा ये संकल्प है कि गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हो, सने के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए। इसके लिए संसद नहीं बनाई है, और इसके लिए चुनाव नहीं होते हैं, और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जाते। हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई है, ये एक बात है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी गुलामी की जिन निशानियों को हम हटा नहीं पाए इस देश से, ऐसी कुछ निशानियां अभी जिंदा हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है, मालूम है आपको, हिमाचल प्रदेश। लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी, जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं, जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया, जमीनें छीनी, किसानों को भूमिहीन बनाया, उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है। लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं। कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है? शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के 62 साल? हमारे हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है, मालूम है आपको, गोवा में। वास्को डिगामा वो पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई 1498 को इस देश में आया, जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखून खींच खींच कर ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया, जिसने लोगों को लूटा, संपत्ति लूटी। वास्को डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो कालीकट नाम के शहर को मैंने लूटा, और लूटकर इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इकट्ठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए 14 पानी के जहाज लगे, और एक पानी के जहाज में 50 से 60 मीट्रिक टन सामान आता था उस जमाने में। तो 14 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात वो लूट ले गया। उस वास्को डिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए? उससे भी ज्यादा खराब बातें हैं इस देश में। मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो मुंबई का गवर्नर था। उसका एक ही काम था, किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करना, और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90%। मतलब क्या है, कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था, इतना लगान लेता था वो किसानों से एल्फिंस्टन। और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। जिस आदमी ने बंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है बंबई में। एक बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। वो पूना में एसएसपी बन के आया, और पूना में एक समय बहुत खराब आया था जब प्लेग फैल गया था, महामारी आ गई थी, उसमें लाखों लोग मरते थे। उस जमाने में जब लाखों लोग पूना में रोग से मरते थे, ये फर्ग्यूसन नाम का पुलिस अधिकारी लोगों के घरों को लूटता था, बर्बाद करता था। उसके नाम पर पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज बना हुआ है, चल रहा है। लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली में, जिसने 1857 की क्रांति के लिए लड़ने वाले भारत के जो वीर सिपाही होते थे उन पर गोलियां चलाई थी, और सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को मारा था उसने अपनी गोलियों से। उसके नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है आजादी के 62 साल के बाद। चेम्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, पुलिस ऑफिसर था,
लाहौर में बर्बरता किया, उसने सारी हदें तोड़ दी थी। उस पुलिस अधिकारी ने सैकड़ों निरपराध हिंदुस्तानियों को मार डाला था। उस चेम्सफोर्ड के नाम पर इस देश की सरकारों की कहीं बिल्डिंग है जो चेम्सफोर्ड बिल्डिंग के नाम से अभी भी चलती। रिपन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने मद्रास में भयंकर लूटमार की थी। रिपन के नाम से मद्रास में एक बिल्डिंग है जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस चलता है। करजन नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत का बंटवारा किया था हिंदू मुसलमान के आधार पर। बंगाल में वो जब गवर्नर बन के आया करजन, तो उसने बंगाल का पूर्वी हिस्सा हिंदुओं को दे दिया, पश्चिमी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर इस देश में पहली बार बंटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो करजन था, जिसने पाकिस्तान की नींव 1905 में रखी थी। उस करजन के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्यालय उसी बिल्डिंग से चलता है, करजन बिल्डिंग। ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आपको। हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी, कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में। कभी कभी मेरा दिल जलता है, आप बंबई जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए, तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया, लेकिन अधूरा काम किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया, लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई है। आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर, तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की, जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किए, वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे। हमने आजादी के 62 साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया। सरकारें मंदिर गिरा देती है इस देश में, आपको मालूम है। हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है? जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है, मस्जिद तोड़ सकती है, गुरुद्वारे तोड़ देती है इस देश में, सड़क को चौड़ा करना है, नगर का सौंदर्य बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है, तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में, उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार? उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का? वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या? विचित्र देश है। तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहाँ चली आ रही है आजादी के 62 साल के बाद, ये बहुत भारी पड़ गई है। अब इसको तो खत्म करना ही, आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज उठानी ही है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं, मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती हैं, अंग्रेजों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश में। समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं, देश की गुलामी को खत्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती। तो हम लोगों ने तय किया कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये प्रश्न उठाएंगे, और भारत स्वाभिमान बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून, उनके जमाने के नियम, उनके ज़माने की व्यवस्थाएँ, उनके समय की गुलामी की निशानियाँ, इन सबको मिटा देना है। आज़ादी तभी पूरी होगी, शहीदों का सपना तभी पूरा होगा, क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आज़ादी के लिए लड़ते हुए, आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीर गति पाई, चेम्सफोर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हमसे सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए, उनकी मूर्ति को तुमने ये सजा संवार के क्यों रखा है?
तो वो तो हंसेंगे विद्रूपता में, वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे या तुम महामूर्ख हो। और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ, जिनकी मूर्तियों को सजाकर हम बिठा के रखे हुए हैं उनके खिलाफ लड़े क्यों हो? ये गंभीर प्रश्न है, इसको हल करना है, इसी के लिए भारत स्वाभिमान। एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको, आजादी के 62 साल में अंग्रेज चले गए, हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से। अंग्रेज तो चले गए, मार के भगा दिया, किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया, लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं, और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल, सिखाने वाले स्कूल कितने हैं। तो 1946 में एक जानकारी ली गई, सर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में, 347। और ये माउंटबेटन ने लिखा है, खुद अपने हाथ से दर्ज किया। वो कहता है कि 1% से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, और 347 अंग्रेजी स्कूल हैं बस। लेकिन अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि 37,000 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं, और गांव-गांव गली-गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं वो तो 1,00,000 से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज्यादा बढ़ी है इस देश में, और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में 2 करोड़ से ऊपर है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर। और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इस देश में। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्नड़ तमिल तेलुगु सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, माने किसान, मजदूर, धोबी, लोहार, कुर्मी, धुनकर, बुनकर, जो 5,447 जातियों में बटे हुए लोग हैं वो बैठेंगे ही नहीं उच्च पदों पर जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इससे बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड के करोड़ों लोगों को हिंदी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती, हम क्यों अफसोस करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती? इंग्लैंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इस बात के लिए पीटते हो को उसको हिंदी नहीं आती। इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते, उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं, कॉलेज में लेके जाते हैं, स्कूल में भर्ती कराते हैं, सारे काम करते हैं, उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, करेगा क्या? सीख भी ली तो करेगा क्या? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा। इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामान्य आदमी की बात, बस की बात नहीं है। कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए हैं उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रही है। और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो, इंग्लैंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुलाकर अपने यहां बसा ले।
इनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना, जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई वो हिंदुस्तानियत और भारतीयता से तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे। अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लैंड में कभी बस नहीं पाएंगे, वो तो त्रिशंकु हो गए, ना यहां के रहे ना वहां के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। बच्चों को बचपन से हम प्रताड़ित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, मार मार के सिखाते हैं, यही बोल, मम्मी बोल, पप्पा बोल, डैडी बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल, क्या क्या मूर्खताएं सिखाते हैं बच्चों को। एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे, कभी कभी मैं घरों में जाता हूँ, मैं अक्सर लोगों के घरों में ही ठहरता हूँ, वहीं खाता हूँ वहीं सोता हूँ, तो छोटे बच्चों से परिचय होता रहता है। तो किसी के भी घर में जाता हूँ तो कहते देख अंकल आए हैं कविता सुना, तो कविता नहीं पोएम सुना, पोएम सुना, अंकल आ गए। और अंकल आ गए, चाचा जी नहीं है, मामा जी नहीं है, मौसा जी नहीं है, अंकल है। और अंकल का मतलब क्या है ये उनको भी नहीं मालूम है। तो वो बच्चे पोइम सुनाते हैं, कौन सी पोइम सुनाते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले, वो मुझे सुनाते। तो मैं उनको पूछता हूँ तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, रेन रेन गो अवे बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहाँ पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। और ये बच्चों की प्रार्थना है भगवान से, अगर सुन ली तो। भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली, जो बारिश गिर रही है उसको वापस खींच लिया, बुला लिया, तो करोड़ों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में। क्या मूर्खता की कविता सुना रहे हैं, रेन रेन गो अभी कम, माने दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से सब खाली हो गया। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है ऊपर से, एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं क्यों सिखा रहे हैं। फिर उनको जब मैं समझाता हूं कि इस कविता का तो अर्थ यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां कभी भी मत आओ, हमें खेलना है, ये इंग्लैंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी बारिश आती है। इंग्लैंड में तीन चीजों का भरोसा नहीं, वाइफ, सुनिएगा ध्यान से, वाइफ, पत्नी, वेदर, मौसम और वर्क माने नौकरी। किसी दिन नौकरी चली जाती है, किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं, जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए, एक दिन सवेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मत आना, नौकरी इतनी अनसर्टेन है। तो वर्क, वाइफ, पत्नी, सवेरे आपकी है शाम को किसी दूसरे की हो सकती, कुछ भरोसा नहीं। और लंदन में, इंग्लैंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जानकारी दे सकता हूं जिन्होंने 20-20 शादियां की फिर भी 21वीं करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 20 रही नहीं उनके साथ, वाइफ कभी भी जाती है। और वेदर, मौसम कभी भी बदलता है, अभी बहुत तेज धूप निकली है अभी बारिश हो जाएगी, तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं। और शाम को अक्सर लंदन में बारिश होती है, अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं उसी समय बारिश होती है, तो बच्चे ये गाते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, बारिश तुम चली जाओ अभी तो हमको खेलने के लिए दो थोड़ा सा, क्योंकि खेलने के लिए कोई दिन बचता नहीं है। तो इंग्लैंड के बच्चे ये गाएं तो समझ में आता है, हिंदुस्तानी बच्चे ये गा रहे हैं जहां बारिश बहुत जरूरी है, हर दिन जरूरी है, 3-4 महीने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन्न खा पाता है इस बारिश की ताकत पर। क्योंकि हमारे यहाँ तो खेती, आप जानते हैं 60% खेती बारिश के भरोसे होती है, सिर्फ 40% खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है, वरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे। उस देश के बच्चे ये गाने लगे हैं रेन रेन गो अवे, और भगवान सुनने लगे ये रेन रेन गो अवे और इस पर एक्शन लेने लगे, तो क्या होगा इस देश का, अकल से सोचो जरा, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। फिर लोग कहते हैं भाई क्या सिखाएं, हमारे यहाँ तो दूसरी कविताएं हैं जो सिखाई जाती हैं बच्चों को। आप सब महाराष्ट्र के नज़दीक रहते, एक मराठी कविता सुनाता हूँ, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ ज़्यादा ज़्यादा आओ, और बारिश को बुलाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है इस देश का बच्चा। ये भारतीय कविता है जो इस देश की जरूरत है। ये कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को।
हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पता ही नहीं है कि ट्विंकल कौन है, क्या है, किसको कह रहे हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को, गुड़ नहीं खिला सकते। ईटिंग शुगर नो पापा, गुड़ भी तो खिला सकते, रसगुल्ला खिला सकते, जलेबी खिला सकते, इमरती खिला सकते, शुगर ही खिला रहे, क्योंकि इंग्लैंड में शुगर ही बनती है, रसगुल्ला बनता नहीं, गुड़ बनता नहीं, जलेबी बनती नहीं। सब कुछ अंग्रेजियत वाला, इस भाषा ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा। इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है, वरना इस देश का भला नहीं हो सकता। और भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये प्रश्न उठाया है और सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए, उसके स्थान पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की अनिवार्यता होनी चाहिए। इस देश की सभी शिक्षण व्यवस्था, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमबीए की, बीबीए की, सारी शिक्षण व्यवस्था मातृभाषा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, हर गरीब का लड़का इस देश में आईपीएस आईसीएस हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। हर गरीब का लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। फिर कुछ लोग इस देश में कुतर्क देते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम को हम हिंदी में कर पाएंगे क्या? हाँ कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी से ज़्यादा शब्द हैं, कमी नहीं है हमारे पास। अंग्रेजी के पास तो मूल शब्द नहीं है, आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे कम शब्दों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है, शब्द ही नहीं है उनके पास। इसलिए तो चाचा मामा ताऊ मौसा फूफा सबको अंकल ही कहते हैं, कोई शब्द ही नहीं है दूसरा। चाची मामी मौसी फूफी सबको आंटी ही कहते हैं और कोई शब्द नहीं है। और कभी कभी ऐसी हैरानी होती है, वो कह देते हैं फादर इन लॉ, कौन से बता सकते हैं, इधर के कि इधर के, मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली, विचित्र विचित्र शब्द। और इसका अर्थ क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता। फादर इन लॉ कानून से अब रिश्तों में कानून को घुसाओगे तो क्या होगा इस देश में, क्योंकि शब्द नहीं है। ससुर ससुरा, हमारे यहां तो कितने तरह के ससुर होते हैं, चैया ततुर ससिया, वो ताऊ के ससुर हैं, मौसा ससुर हैं, फूफा ससुर हैं कि नहीं, फूफिया ससुर हैं, मौसिया ससुर हैं, तैया ससुर हैं, कितने तरह के ससुर, वहां एक ही है फादर इन लॉ। कितनी सास है वहां, एक ही है मदर इन लॉ। कोई दम नहीं है इस भाषा। मुझे तो हंसी इस भाषा पर याद आती है, पीयूटी पुट, तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट, तो पीयूटी पट, सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं, कुछ मालूम ही नहीं कहाँ क्या हो जाए। कभी कभी इतनी हंसी आती है, अंग्रेजी में आप चोपड़ा लिखो, चोपड़ा तो स्पेलिंग क्या है, सी एच ओ पी ए आर ए, यही स्पेलिंग है ना, तो ये हो गया चोपड़ा। यहां पे सी एच है तो चा का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब इसी उच्चारण को केमिस्ट्री में लिखो, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, तो केमिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं। अगर सी एच यहां चो है चोपड़ा में, तो सी एच केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में जाना चाहिए। और अगर सी एच वहां का है केमिस्ट्री, तो यहां चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ सिर पैर ही नहीं है इस भाषा। और अंग्रेजी के जो विशेषज्ञ है ना, वो खुद मानते हैं कि हमारी भाषा का सिर पैर नहीं है, क्योंकि इसका मूल जो स्थान है ना, वो ही तय नहीं है अभी तक, कि ये लैटिन में से आई, कि ये फ्रेंच में से आई, कि ये जर्मन में से आई, कि ये किसी इटालियन में से, वो कहते हैं मूल पता नहीं है, खिचड़ी है सब,
इसलिए इसमें स्पष्टता नहीं है। तो जिस भाषा के विशेषज्ञ खुद कहते हों कि हमारी भाषा का मूल स्थान हमें मालूम नहीं, उसमें हम फंस गए, क्यों? हट जाओ इसमें से, निकल आओ बाहर, इसमें कुछ दम नहीं है। आप बोलोगे ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और वो भी 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए वहाँ कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती। फ्रांस में अंग्रेजी नहीं, जर्मनी में अंग्रेजी नहीं, जापान में अंग्रेजी नहीं, चीन में अंग्रेजी नहीं, रूस में अंग्रेजी नहीं, डेनमार्क में अंग्रेजी नहीं, नीदरलैंड में अंग्रेजी नहीं, इटली में अंग्रेजी नहीं, स्पेन में अंग्रेजी नहीं, स्वीडन में अंग्रेजी नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, 100 कम से कम 86 देशों में अंग्रेजी नहीं है। और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वहाँ उनकी मातृभाषा है, और कई देश तो उसमें भारत के जिले के बराबर के देश हैं। डेनमार्क है, बैतूल जिले से छोटा है, बैतूल की आबादी तो डेनमार्क से ज़्यादा है। अब इतना छोटा देश डेनमार्क अपनी भाषा चला सकता है, बना सकता है और उसमें काम कर सकता है, तो हम हिंदी जो करोड़ों भारतवासी बोलते हैं भारत और भारत के बाहर, उसको क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं चला सकते? जर्मनी तो हमारे राज्यों में कई राज्यों से छोटा है, मध्य प्रदेश तो जर्मनी से बड़ा है, और जर्मनी जर्मन चला सकता है। फ्रांस मध्य प्रदेश से छोटा है, मध्य प्रदेश फ्रांस से बड़ा है, और फ्रांस में फ्रेंच चल सकती है, जर्मनी में जर्मन चल सकती है, तो हिंदी क्यों नहीं चल सकती, या मराठी गुजराती क्यों नहीं चल सकती? तो हमको भारतीय भाषाओं में काम करना है और इसी में पढ़ाई करनी है। और पूरे पाठ्यक्रम को अगर आप भारतीय भाषाओं में बदल देंगे तो हमारे पास शब्दों की तो भंडार है, कोई कमी नहीं आने वाली है। तकनीकी शब्दों का भी भंडार हमारे पास है। इस देश में एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। पिछले सालों साल वो संस्थान यही मेहनत कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा के तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद कर देना, और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बस उसका उपयोग करने की ज़रूरत है इस देश में, शब्दों की कोई कमी नहीं, भंडार हमारे पास है। और संस्कृत तो दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों शब्द बन सकते हैं। आप धातु रूप और शब्द रूपों को एक दूसरे से संयोजित करना जान लीजिए, करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं। ये संभावना किसी दूसरी भाषा में नहीं है, हमारे ही पास। तो भाषा की गुलामी भी हमको छोड़नी है। आप बोलेंगे कहाँ से छूटेगी, सरकार से तो छुड़वानी है, सरकार आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अंग्रेजी गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो वो तो मानते नहीं इसको, तो उनसे तो छुड़वानी पड़ेगी जबरदस्ती। जैसे अंग्रेज इस देश को छोड़ने को तैयार नहीं थे, वैसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको दबाव डालकर या दूसरे तरीकों से उनको नीचे लाकर उनको सरेंडर करवा के ये छुड़वाना पड़ेगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया, शायद उससे बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। और आप सब इस आंदोलन की तैयारी करें। हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से संकल्प ले लिया है कि 2 साल के अंदर सारे देश में भारतीय भाषाओं के लिए, मातृभाषाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं जितना कभी अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में हुआ था। ये हमारा संकल्प। अब ये हमने संकल्प लिया है, आप भी लें, क्योंकि हमारा संकल्प आपका बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। आप अगर ये संकल्प लेते हैं तो अपने जीवन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत का कम से कम इस्तेमाल करें, तो अपने जीवन से शुरुआत करें। फालतू अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल ना करें आपस की बातचीत में। हम बहुत बार ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं मालूम है, बोलते रहते हैं हम। अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं। कई बार मैं भारत के ऐसे लोगों के घरों में जाता हूँ जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए और भारतीय रह नहीं पाए, अधकचरे हो गए। हाँ, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए पूरी और भारतीय रह नहीं पाए, ऐसे घरों में जाता हूँ तो वो किस तरह से बात करते हैं। ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। मैं कहता हूँ रियली शी इज योर मिसिज? तो वो थोड़े बौखला जाते हैं, क्या बोल रहे हैं।
मैं पूछता हूं तुमको मालूम है मिसेस का अर्थ क्या होता है? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम तो मत बोलो। क्या अर्थ है मिसेस का जानते हैं? मिसेस शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे, इंग्लैंड में यूरोप में क्या होता है ना, बिना शादी के पति पत्नी बन के साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यूरोप में शादी नहीं करते लेकिन रहते पति पत्नी की तरह से, बच्चे भी कर लेते हैं, शादी नहीं करते। ये विचित्र परंपरा है। एक के साथ आज रह रहे हैं, कल दूसरे के साथ रह रहे हैं, परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं, किसी दिन चौथे के साथ, किसी दिन पांचवें के साथ। एक एक आदमी 40-40 स्त्रियों के साथ रहता है, एक एक स्त्री 40-40 पुरुषों के साथ रहते। अब उसमें होता क्या है कि जिन 40 के साथ रहते हैं, जिसमें एक के साथ अगर शादी हो गई तो उसको छोड़कर सब मिसेज हो जाती है। समझिएगा इस बात को। मिसेस का माने है धर्म पत्नी को छोड़कर वो सारी महिलाएं जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं, बिस्तर पे रह चुके हैं, वो मिसेस होती हैं। धर्म पत्नी मिसेस नहीं होती। और मिस्टर इसका उल्टा है। पति को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं। अब हम हमारी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में लगे रहते हैं, ओ शी इज माई मिसेस। तब मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसेस। मत बोलिए, अच्छा शब्द नहीं, बहुत खराब। हमारे देश में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है तो हम क्यों बोलें ये? जब नहीं हो तो बोलना मजबूरी हो सकता। अपने पास तो है ना श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, तो लक्ष्मी और बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती, जहां एक साथ हो वो श्रीमती। कितना सुंदर शब्द है। तो श्रीमती छोड़ के मिसेज में क्यों फंस गए? तो माताओं बहनों से निवेदन है कि मिस्टर ना कहें अपने पति को। भाइयों से निवेदन है पतियों को मिसेज ना कहें, यहां से शुरू करें। और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का मैडम, बहुत खराब। ये जो मैडम शब्द है ये अंग्रेजी का नहीं है, मूलतः फ्रेंच का है। ये फ्रेंच में एक शब्द होता है मा दाम, एम ए माने माँ, डी ए एम ई दाम, दाम माने होता है स्त्री, महिला, औरत, उसको दाम कहते हैं। और एम ए माने माँ, माँ माने मेरा, जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना, एम वाई माई, उसको फ्रेंच में माँ कहते हैं। एम ए माँ माने मेरा, तो माँ माने मेरा, दाम माने स्त्री, तो मेरी स्त्री, मेरी स्त्री मैडम होती है। और यहां आप हर एक किसी को कहने लगते हैं मैडम 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 मैडम। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उससे। आप पूछो और वो आपको परमिशन दे तब आप उसको मैडम कहो। ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है, मत बोलिए आप उसको। अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जानें, समझें, फिर उसके बाद उनका उपयोग करें तो ठीक है। लेकिन जब आप जानते नहीं, समझते नहीं और उनका उपयोग करते हैं तो उसमें गुड़गोबर हो जाता है। तो ये फालतू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाएं। मैं तो आपको एक निवेदन और करूंगा कि आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो उस हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करें या आपकी मातृभाषा में करें, कन्नड़ में करें, तेलुगु में करें, तमिल में करें। अब बैंकों ने ये सुविधा दे दी है कि आप कन्नड़ हस्ताक्षर करके अपना खाता खुलवा सकते हैं, उसको चालू करवा सकते हैं, तमिल में हस्ताक्षर करके भी कर सकते हैं। भारत की 22 भाषाओं में बैंक के खाते खोले जा सकते हैं। तो फिर अब ये सुविधा है तो फिर अंग्रेजी क्यों? हस्ताक्षर बंद करिए अंग्रेजी। आप बोलेंगे हमने तो पुराना अकाउंट खोल रखा, बदल दीजिए हस्ताक्षर, कभी भी बदले जा सकते हैं। बैंक को एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, अब मैं हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहता हूं। बैंक सहर्ष ये काम करेगा, नहीं करेगा तो मुझे बताइए, करना पड़ेगा उनको। क्योंकि संविधान में जितनी भाषाओं को दर्जा मिल चुका है उन भाषाओं में तो काम करना हर बैंक और बीमा कंपनी की मजबूरी है।
तो आप बैंकों के हस्ताक्षर बदलिए, आपसी बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, दूसरे पर रौब झाड़ने के लिए कभी अंग्रेजी मत बोलिए। हम में से कई ऐसे अधकचरे लोग हैं जो दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं, आतंकित करने के लिए उसको अंग्रेजी बोलते हैं। क्या जरूरत है? अपना ही भाई है, अपनी ही बहनें हैं, उस पर रौब झाड़ने से क्या निकलने वाला है? रौब झाड़ना है तो ज्ञान का झाड़िए, चरित्र का झाड़िए, भाषा का मत झाड़िए, और वो भी विदेशी भाषा का तो बिल्कुल रौब मत झाड़िए। अपने जीवन से हटाइए, फिर धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हटाइए, और फिर अपने राजनीतिक जीवन से हटाइए। मैं तो हिंदुस्तान के नेताओं से जब बात करता हूँ तो उनसे कहता हूँ, जब वोट मांगने जाते हो तो हिंदी में बात करते हो, और संसद में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरह से खड़े हो जाते हो तो गिटपिट अंग्रेजी चालू कर देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मतदाताओं से वोट मांगते समय गुजराती में बात करोगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में लोकसभा में अंग्रेजी गिटर-पिटर चालू कर दोगे? कोई समझे नहीं तुम्हारी बात को, कोई जाने नहीं? जिस अंग्रेजी को 2 करोड़ लोग नहीं जानते उसमें बात करना लोकसभा में, जबकि आपकी टेलीकास्ट हो रही है पूरे देश में, सब लोग देख रहे हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारा नेता क्या बोल रहा है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। मुझे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहा करते हैं अक्सर कि विदेश में जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देना आसान है, हमारी संसद में आसान नहीं है। ये शर्म की बात, ये अटल जी के वाक्य को मैं कभी भूलता नहीं। उन्होंने मालूम है सबसे पहला भाषण हिंदुस्तान की तरफ से हिंदी में दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब वो गए थे, उसके पहले भारत के किसी नेता ने हिंदी में नहीं बोला था, उन्होंने सबसे पहले बोला। वो खुद कहते हैं कि मेरे दिल का दर्द है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में तो हिंदी बोल आया, लेकिन अपनी संसद में जब हिंदी बोलना शुरू करता हूं तो हल्ला शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। ये हंगामा एक साजिश है, और वो साजिश क्या है? हिंदी स्थापित ना होने पाए, हमेशा हिंदी अंग्रेजी की दासी बनकर रहे, नौकरानी बनकर रहे, अंग्रेजी महारानी बने, हिंदी नौकरानी बने, ऐसा एक षड्यंत्र कुछ लोगों ने चलाया हुआ है। इस षड्यंत्र को तो ख़त्म करना ही है, आज नहीं तो कल, और इसकी ताकत भारत स्वाभिमान में से ही निकलेगी। ये हमारा दूसरा बड़ा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि भारत में अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कर व्यवस्था को हम ख़त्म करना चाहते हैं, टैक्स सिस्टम को बदलना चाहते हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान में इनकम टैक्स का कानून अंग्रेज लाए, सेंट्रल एक्साइज का कानून अंग्रेज लाए, सेल्स टैक्स का कानून अंग्रेजों ने बनाया, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स अंग्रेजों ने लाया, ये सब टैक्स के कानून अंग्रेजों के हैं। और अंग्रेजों ने ये कानून क्यों बनाए थे? अंग्रेजों की संसद में बहस हुई थी इस बात पर कि भारत से ज़्यादा धन लूटकर इंग्लैंड में लाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना है। तो अंग्रेजों की संसद में बहस हुई तो इस बात पर कि भारत का कोई नागरिक किसी भी वस्तु का उत्पादन करे तो उत्पादन पर ही टैक्स लगा दो, फिर उस वस्तु को जब वो बेचे तो बेचने पर टैक्स लगा दो, फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगा दो, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाए तो उस पर टैक्स लगा दो। तो क्या हुआ, उत्पादन पर लगा दिया एक्साइज ड्यूटी, बेचने पर लगा दिया सेल्स टैक्स, बेचकर मुनाफा कमाने पर लगा दिया इनकम टैक्स, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स या रोड टैक्स या टोल टैक्स, ये सारे कानून उन्होंने लगाए इस उद्देश्य से ज्यादा लूट के इंग्लैंड लेके जाना। अब अंग्रेजों के जाने के बाद वो सारे के सारे टैक्स के कानून हमारे ऊपर लदे हैं और चल रहे हैं, हम इस लूट में क्यों हिस्सेदार बने? ये लूट तो बंद होनी चाहिए, और इस टैक्स को बदलना है, टैक्स सिस्टम को बदलना है। हम चाहते हैं कि ये सारे टैक्स के कानून खत्म हों, इसके कारण देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको मालूम है हमारे देश में टैक्स जितना सरकार इकट्ठा कर पाती है उससे कई गुना ज्यादा इस देश में टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती सरकार, और वो काला धन बनके हमारी अर्थव्यवस्था में घूमता है। सरकार खुद मानती है कि एक्साइज ड्यूटी में जितना वो इकट्ठा करते हैं उससे 3-4 गुना ज्यादा इस देश में रह जाता है। इसका माने टैक्स सिस्टम एफिशिएंट नहीं है,
इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि इस देश की सरकार इनकम टैक्स में जितना कुल इकट्ठा करती है उसका 85% हिस्सा इकट्ठा करने में खर्च हो जाता है। इनकम टैक्स में सरकार को 1 से 1.25 लाख करोड़ मिलता है और 85,000 करोड़ खर्च हो जाता है। कैसे खर्च होता है? सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों की तनख्वाह देने में जो खर्चा करती है वो एक, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स बचाने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उन पर समाज का किया हुआ खर्चा दो, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स के मामले में अदालतों में जब केस जाते हैं तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एडवोकेट साहब की बहस करते हैं, वकालत करते हैं, उन पर होने वाला खर्च तीन, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये चारों मैंने जोड़े तो साल का खर्च 85,000 करोड़ का है और इनकम टैक्स मुश्किल से 1.25 लाख करोड़ का आता है। और जिनसे लिया जाता है वो सब सर्विस करने वाले लोग हैं, टीचर हैं या दूसरे सर्विसेज में हैं। सरकार उनको तनख्वाह देती है एक जेब में, दूसरी जेब से निकाल लेती है। और इस इनकम टैक्स के कारण कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनसे जो कलेक्शन आता है कॉरपोरेट हाउसेज से, जिसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, जो इनकम टैक्स का ही भाई है, उसको भी मैंने एक दिन जोड़ दिया। कॉरपोरेट टैक्स प्लस इनकम टैक्स दोनों जोड़कर जो कुल कलेक्शन है उससे कई गुना ज्यादा कलेक्शन सरकार को हो सकता है अगर सरकार ये इनकम टैक्स को हटा दे, कॉरपोरेट टैक्स को हटा दे। तो कैसे? एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि इनकम टैक्स खत्म कर दो, कॉरपोरेट टैक्स खत्म कर दो, और हर हिंदुस्तानी को ये कहो कि चाय के एक प्याले के बराबर का पैसा सरकार को दान में दे दे। तो मैंने उसका हिसाब निकाला, चाय का एक प्याला इस समय 5 रुपए का आता है, हर आदमी रोज इतना दान दे दे तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से 3 गुना ज्यादा कलेक्शन होता है, 3 गुना ज्यादा। और ये कैसे होता है? भारत का आदमी दान देता है, टैक्स नहीं देता। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान देते हैं, टैक्स नहीं देते। मेरे एक मित्र हैं, बंबई में रहते हैं, हर दिन 1 लाख रुपए दान करते हैं और दान करने के बाद खाना खाते हैं। जिस दिन वो दान नहीं करते उस दिन खाना छोड़ देते हैं। रोज का नियम है 1 लाख रुपए दान करने का। लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी कराने के लिए 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं अपने घर, इनकम टैक्स की चोरी कराने। अब मैं उनसे कहता हूं कि आप बड़े विचित्र आदमी हैं, इनकम टैक्स तो भरेंगे नहीं और दान में हर दिन 1 लाख रुपए देते हैं। तब वो मुझे कहते हैं, राजीव भाई, कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता इस देश में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुपात्र है, इसलिए इसको 1 पैसा नहीं दे सकता मैं, दान में कितना भी दे सकता हूं। हर आदमी की यही भावना है। आप देखो इस देश का आदमी दान देने के लिए कितना उतावला है। कारगिल युद्ध हुआ तो एक दिन में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया, एक दिन में। उड़ीसा में चक्रवात आया, लाखों करोड़ों रुपए दान दिया। गुजरात में भूकंप आया, इतना दान मिला कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अब नहीं चाहिए, आप पैसा मत भेजो। सरकार ने कहा कि नहीं चाहिए, इतना आया। अभी बिहार में बाढ़ आई, लाइन लग गई दान देने वालों की। मतलब क्या है? भारत के लोग दान वीर हैं, दान देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो खून है, जिनके वो वंशज हैं, वो भामाशाह हैं, इसलिए दान देना पसंद करते हैं। टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स में जबरदस्ती सरकार इनकी जेब से निकालती है, जबरदस्ती मंजूर नहीं है। वो मंदिर में जाके करोड़ों रुपए देके आएंगे अपनी इच्छा से, जबरदस्ती 1 रुपया भी नहीं देते। इस देश में एक बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, हर साल तिरुपति बालाजी का जो कुल कलेक्शन है ना, वो आंध्र सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बढ़ा है। और आंध्र सरकार कर्ज लेती है तिरुपति बालाजी से अपना बजट बनाने के लिए। हाँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, तिरुपति बालाजी से कर्ज लेके आंध्र में बजट बनता है। तो मंदिर का जो दान है वो सरकार से बड़ा हो जाता है कई बार। तो हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी जैसे हजारों मंदिर हैं जहां लोग दान देते हैं। कई मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था है कि लोगों ने भगवान जी को पार्टनर बनाया हुआ है। हाँ,
उनकी इनकम का जितना आता है 50% चुपचाप मंदिर में दे आते हैं। जिस देश में लोग बिना किसी अपेक्षा के मंदिरों में करोड़ों रुपए दान देते हो, उस देश में आप इनकम को टैक्स करें तो कलेक्शन तो होगा नहीं। आप एक्सपेंडिचर को टैक्स करने की सोचें तब तो कुछ बात समझ में आती है। इनकम को टैक्स क्यों कर रहे हैं, खत्म करिए। और ये इनकम टैक्स 1860 का है, हम नहीं चाहते कि ये अब हमारे देश में रहे। इनकम टैक्स हट जाए देश बहुत अच्छा हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कारण लाखों करोड़ों रुपए का काला धन पैदा होता है। वो काला धन इस देश में अर्थव्यवस्था को भी नुकसान करता है और बेईमानी बढ़ाता है। 36 लाख करोड़ रुपए का काला धन है हमारी इकोनॉमी में इनकम टैक्स के कारण। ये धन को हम सफेद बनाना चाहते हैं, सफेद बना के इस देश की अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स हटाना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटाना चाहते हैं, सेल्स टैक्स हटाना चाहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हटाना चाहते हैं, सब टैक्स हटाना चाहते हैं। फिर आप बोलेंगे देश चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए हमने हिसाब निकाला है कि भारत के लोग बैंकों के द्वारा जो हर दिन ट्रांजेक्शन करते हैं चेक और ड्राफ्ट से, वो एक दिन का ट्रांजेक्शन 1,25,000 करोड़ रुपए का है, एक दिन का। साल भर का ट्रांजेक्शन करीब 400 लाख करोड़ रुपए का है। इस ट्रांजेक्शन पर आप 1% टैक्स लगा दें, 400 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन पर 1% टैक्स लगा दें तो इनकम टैक्स से ज्यादा हो जाता है। 2% लगा दें तो सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से डबल हो जाता है। 3% लगा दें तो सरकार सोच नहीं सकती उतना हो जाता है। और फिर हमारे देश में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो कैश में होता है, वो कैश ट्रांजेक्शन को भी अगर आप बैंक के थ्रू कराने लगें, अगर आप इनकम टैक्स हटा देंगे तो सारे कैश ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो जाएंगे, किसी को डर नहीं है खर्चा करने में। फिर तो वो ट्रांजेक्शन भी अगर आप इसमें ले आएं और वो पूरे ट्रांजेक्शन के 2% पे टैक्स लगा दें आप, तो एक साल का टैक्स कलेक्शन 18 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, जबकि अब ही हमारा कुल टैक्स कलेक्शन 6 लाख करोड़ का है। 3 गुना ज्यादा टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। सब टैक्स हटा दो, हर आदमी सुखी हो जाएगा इस देश, हर आदमी ईमानदार हो जाए। सिर्फ 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ और ट्रांजेक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए बैंकों को अथॉरिटीज दे दो कि बैंक इकट्ठा करके आपको देंगे, और कैश ट्रांजेक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए दुकानदारों को आप अथॉरिटी दे दो, वो कैश का इकट्ठा करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दुनिया में जो देशों में 1 या 2 टैक्स है ना, वही देश इस समय सबसे ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति। और जिन देशों में सबसे ज्यादा टैक्स हैं वो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार वहां सबसे ज्यादा। तो इस बेईमानी भ्रष्टाचार का परमानेंट सोल्यूशन हम चाहते हैं, टैक्स सिस्टम में चेंज होना। और इसी तरह से हम एक व्यवस्था चाहते हैं इस देश में, वो ये कि अंग्रेजों के समय से जो ये टैक्स लगाए गए उनका लूट अंग्रेज करके ले गए, अंग्रेजों के बाद ये जो टैक्स लगाए गए इनकी लूट काले अंग्रेजों ने कर ली। गोरे अंग्रेजों ने लूटा वो तो बाहर से आए, काले अंग्रेजों ने लूटा जो हमारे ही देश में से निकले और व्यवस्थाओं में जाकर बैठ गए। लूट तो दोनों ही लूट है। अंग्रेज जो लूट कर ले गए वो धन उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर रखा है, काले अंग्रेजों ने जो लूटा वो धन स्विट्जरलैंड में जमा कर रखा है। ये दोनों ही धन हमें वापस चाहिए। तो आप बोलेंगे अंग्रेजों ने जो धन लूटा है उसका कोई हिसाब निकाला है क्या? हमने निकाला है। अंग्रेजों ने जो इस देश में से लूट मचाई है, पहला अंग्रेज इस देश में आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वहां से लेकर और आखिरी अंग्रेज जो इस देश में से गया माउंटबेटन, इसके बीच के जितने भी अंग्रेज लूट कर ले गए धन संपत्ति, उसका पूरा हिसाब निकाला वो करीब करीब 300 लाख करोड़ रुपए है। उसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। ये धन वो यहां से ले गए। आप बोलेंगे ये वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, ये पैसा वापस आ सकता है। कैसे आ सकता है? अंग्रेजों ने सारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके इस देश को लूटा था, और उन्हीं अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हम मुकदमा कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय अदालत में उनको नंगा कर सकते हैं और उनसे ये पूरा पैसा वसूल सकते हैं।
हमारी तो कोशिश ये है, परम पूजनीय स्वामी जी के साथ मेरी इस विषय पे बहुत वार्ता हुई है, मैंने स्वामी जी से निवेदन किया था कि दुनिया में 50 देश हैं जिनको अंग्रेजों ने लूटा, आप इन सभी देशों को एक कर दो, ये सब अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं, इनको एक साथ इकट्ठा कर दो, सब मिलके मुकदमा करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ और सब अपनी अपनी लूट की रकम इनसे मांग लो और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसे डिसप्रूव नहीं कर सकते, इतने प्रमाण इतने दस्तावेज अभी हमारे पास हैं कि हम उनको अदालत में नंगा कर देंगे। और अदालत ने फैसला दे दिया कि ब्याज के साथ ये पैसा वापस कर दो तो इंग्लैंड बिक जाएगा, पूरा भिखारी हो जाएगा। हम चाहते हैं ये पैसा वापस आए, इसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है इसमें हमारी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी, दूसरे देशों को साथ में लेना पड़ेगा, फिर ये काम हम करा सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, अंग्रेजों के जाने के बाद जो आज़ादी के दौर में लोगों ने लूटा इस देश को, नेताओं ने, अधिकारियों ने, इनको जिनको हम काला अंग्रेज कहते हैं, ये धन स्विट्जरलैंड में जमा है और ये धन करीब करीब 110 लाख करोड़ रुपए है। गोरे अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, काले अंग्रेजों ने 62 साल में 110 लाख करोड़ लूट लिया। और ये 110 लाख करोड़ स्विट्जरलैंड में और दूसरे देशों के बैंकों में जमा है, इस पैसे को भी हम वापस लाना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, एक रास्ता है हमारी संसद और एक रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत और चौथा रास्ता है दादागिरी। स्विट्जरलैंड से थोड़ी सी दादागिरी हम करें वो सारा पैसा हमको दे देगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी ऐसा किया। अमेरिका में एक राष्ट्रपति है बराक ओबामा, वो जीत के आया, जीत के आने के बाद उसने नोटिस दे दिया स्विट्जरलैंड की सरकार को और थ्रू यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से नोटिस भिजवा दिया और उसमें 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन के अंदर अमेरिका का जितना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में है ये बता दिया जाए और इस पैसे को अमेरिका को वापस दे दिया जाए, नहीं तो स्विट्जरलैंड के खिलाफ कार्यवाही होगी और संयुक्त राष्ट्र में भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में होगी। स्विट्जरलैंड की सरकार परेशान हो गई, 15 दिन में उन्होंने अमेरिका का $470 अरब वापस दे दिया, 15 दिन में दे दिया। अब बराक ओबामा ये कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास तो कानूनी रास्ता भी है। कानूनी रास्ता क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करें और उसमें ये कहें कि आजादी के बाद इतने घोटाले हुए हैं। आपको मालूम है एक घोटाला हुआ था इस देश में, यूरिया घोटाला, याद है आपको, नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, यूरिया का एक दाना भी नहीं आया इस देश में, यही था ना, उसकी जांच हुई सीबीआई की तो पता चला 133 करोड़ स्विट्जरलैंड में जमा हो गया। किसके खाते में जमा हो गया, नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुआ था ये पैसा, उनके बेटे के खाते। तो सीबीआई ने बेटे को रेड किया, उसको पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि हाँ उसके खाते में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला दिया और कहा कि ये जो धन है वो नरसिम्हा राव के बेटे का नहीं है, भारत देश के लोगों के करोड़ों की खून पसीने की कमाई का है, वो देश का पैसा है, राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इस पैसे को तत्काल भारत में वापस लाया जाए। जैसे ही ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इस आदेश की पालना कराने के लिए कोर्ट ने एक टीम बनाई थी, वो अधिकारी इस फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड की सरकार ने 133 करोड़ रुपए वापस किया, भारत के खजाने में आकर वो फिर से जमा हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, घोटाला तो घोटाला, चारा घोटाले का आ सकता है, गेहूं घोटाले का आ सकता है, तोप घोटाले का आ सकता है, बोफोर्स का आ सकता है, चेक पिस्टल घोटाले का आ सकता है, आजादी के बाद हजारों हजारों जो घोटाले हुए हैं सबका पैसा आ सकता है, बस इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने की जरूरत है और दम के साथ कहने की जरूरत है, प्रमाण के साथ कहने की जरूरत है। क्यों नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट, कानून है हमारे देश में।
तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा सकते हैं, ये पैसा आ सकता है। स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा वापस आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें तो भी ये पैसा वापस आ सकता है। और कई देशों को इकट्ठा करके स्विट्जरलैंड से बात करें तो भी ये पैसा आ सकता है। माने 110 लाख करोड़ ये हमें वापस लाना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। और एक बार हम ये वापस ले आए तो हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि लंदन से 300 लाख करोड़ लाना आसान हो जाए। इंग्लैंड के लोग ये कह सकते हैं, जी हमारे पास अब नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है तो हम दूसरे तरीके से इसको वसूल सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे वसूल सकते हैं? इंग्लैंड की जितनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं सबकी संपत्ति को एक मिनट में जब्त करेंगे, कहेंगे जाओ यहां से, ये तो सब भारत का, ऐसे वसूला जा सकता है। और इंग्लैंड की कंपनियां दुनिया के 50 देशों में काम कर रही हैं, उनको साथ में लेके वहां ये करवाया जा सकता है कि तुम भी यही करो, अगर उनके पास देने को पैसा नहीं है तो इस तरीके से निकालो। और नहीं तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में इंग्लैंड का हिस्सा जो पड़ा हुआ है, उनका जो कोष है, उसमें से ले सकते हैं। तरीके बहुत हैं, हिम्मत चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए। एक बार हिम्मती और साहसी लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था में आ जाएं, शीर्ष व्यवस्था में आ जाएं, तो हर असंभव काम संभव हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है। करने वाले में संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। कल तक दुनिया में हमें ऐसा लगता था कि यह तो हो ही नहीं सकता, जैसे अमेरिका में कोई काला आदमी राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, कोई मानने को तैयार नहीं था, अभी बन गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी कभी एक हो ही नहीं सकता, अभी दोनों एक हो गए। सोवियत संघ जैसा देश जो महाराष्ट्र था, वो खंड खंड टूट ही नहीं सकता, टूट गया। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था, दिवालिया हो नहीं सकता, हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक लेहमन ब्रदर्स, सिटी कॉर्प, एएनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड देखते देखते दिवालिया हो गए लोगों के सामने, जो कोई सोच नहीं सकता था। यूरोप कभी मंदी में आ ही नहीं सकता, आ गया। तो जब हम दुनिया में बहुत सारी असंभव कल्पनाएं करते हैं और वो हो जाती हैं, तो ये कल्पना भी आज असंभव लगती है, कल हो सकती है। बस महत्व की बात है कि करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है। भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए हमने शुरू किया है। और हमारा सपना है कि 110 लाख करोड़ स्विस बैंकों से वापस आ जाए, 300 लाख करोड़ इंग्लैंड से वापस आ जाए। 410 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि इस रकम को हम हिंदुस्तान पे लुटा दें, एक एक हिंदुस्तानी को बांट दें, तो एक एक हिंदुस्तानी के पास कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आ जाए। लुटा दें अगर हम उस रकम को, और अगर नहीं लुटाएं, हिसाब से खर्चा करें, गांव का विकास करें, तहसीलों का विकास करें, इस तरह से खर्चा करें, तो 50 लाख करोड़ में ही सारा देश खड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा का खर्चा ही नहीं। हर गांव में पीने का पानी हो, हर गांव में बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में हॉस्पिटल हो, हर गांव में डॉक्टर हो, हर गांव के गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अगर इस हिसाब से खर्चा करें तो मात्र 50 लाख करोड़ चाहिए, सारे गांव खड़े हो जाएंगे। और रकम तो इतनी बड़ी है हमारे पास, फिर क्या करेंगे? फिर बाकी पैसे का सोना खरीद लेंगे और रगड़ रगड़ के सड़कों पर बिछाएंगे, सब सड़कें सोने की बनाएंगे। भूतकाल में ये देश सोने की चिड़िया था, भविष्य में भी बनाएंगे, वर्तमान ठीक हो जाए तो ये करेंगे। कहेंगे दे दो भाई कुछ नौकरी दे दो। आप ये कहेंगे ये शेख चिल्ली के सपने हैं, ये शेख चिल्ली के सपने नहीं है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, और जब करने वाले लग जाते हैं
तो वो हकीकत हो जाती है। आज से 150-250 साल पहले नाना साहब पेशवा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आज़ादी दिलाकर रहूंगा, तब लोग उनसे कहते थे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हो, क्योंकि आज़ादी के लिए कोई तैयार नहीं था। जब नाना साहब पेशवा आज़ादी का सपना देख सकते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तानी कोई मुंह नहीं खोल सकता था सड़क पर निकल कर, तो हम तो ये सपना आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हम तो उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। और मैं मानता हूं कि हर बड़े आदमी ने पहले सपना देखा है, फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए संकल्प किया है, और फिर संकल्प के रास्ते पर चलने के लिए करोड़ों लोगों की फौज खड़ी की है, और हर बड़े आदमी का सपना पूरा हुआ है। दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देखो आप। तो भारत स्वाभिमान भी सपना देख रहा है, देश को वैभवशाली बनाने का, संपत्तिवान बनाने का, देश की गरीबी भुखमरी बेरोजगारी दूर करने का, मिटाने का सपना देख रहा है। देश की अंग्रेजियत को ख़त्म करने का, व्यवस्थाओं को स्वदेशी बनाने का, शिक्षा में परिवर्तन करने का, कर व्यवस्था में परिवर्तन करने का, कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने का, प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने का हम सपना देख रहे हैं, और हम इकट्ठे हो रहे हैं इस एक सपने के आधार पर। फिर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कल को ये हकीकत में बदल जाएगा। कई बार होता है ना, हमारा घर टूट गया, फूट गया, खंडर हो गया, फिर हम घर को बनाना शुरू करते हैं, किसी एक कोने से शुरुआत होती है, धीरे धीरे पूरा घर बन जाता है। वैसे ही ये है, कई बार हमारे घर में बहुत गंदगी आ जाती है, कचरा आ जाता है, कूड़ा आ जाता है, फिर हम घर की सफाई शुरू करते हैं, एक कोने से सफाई शुरू करते हैं, थोड़ी दिन में पूरा घर साफ हो जाता है। वैसी ही कुछ स्थिति है कि ये टूटा फूटा भारत, कमज़ोर सा भारत, अंग्रेजियत में डूबा हुआ भारत, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी में डूबा हुआ भारत, अच्छा नहीं दिखने वाला भारत आज ऐसा है। हम प्रयास करेंगे, इसके किसी एक कोने को ठीक करेंगे, धीरे धीरे एक दिन पूरा भारत ठीक हो जाएगा। वैसे ही है जैसे अपने घर का होता है, तो मुझे इसमें कोई असंभावना नहीं लगती, मुझे तो पूरी संभावना लगती है। और संभावना इसलिए भी लगती है कि भारत स्वाभिमान संगठन अभी 6 महीने पहले बना, और 6 महीने में ही 2.5 लाख लोग इसमें आ गए। इतनी तेजी के साथ तो कोई संगठन नहीं बढ़ा इस देश में, 6 महीने में 2.5 लाख लोग आ गए, और हमें अनुमान है कि अगले 6 महीने में 11 लाख हो जाएंगे, और 4-5 साल में 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। जिस तेजी के साथ लोग इसमें जुड़ रहे हैं, हम बहुत आश्वस्त हैं कि हम ये काम कर पाएंगे। और ये काम कराने के लिए राजनेताओं को, संसद को, राजनीतिक व्यवस्था को दबाव में लाना है, और ये सारी व्यवस्था उस दिन दबाव में आ जाएगी जिस दिन हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हो जाएंगे। राजनीतिक दलों के पास 4 करोड़ लोग हैं और वो देश पर शासन कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास 5 करोड़ लोग हो जाएंगे, हम चाहेंगे वो इस देश पर शासन करेगा, हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा, हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में राष्ट्रपति होगा, जिस दिन 5 करोड़ हमारे पास हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं, भीड़ किसके पास है वही देखा जाता है, नंबर गेम है ये, तो 51% किसके पास है उसकी जीत है और उसकी चलती है। उनके पास 4 करोड़, हम लाएंगे 5 करोड़। अब 115 करोड़ में 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे। जब बैतूल जैसे शहर में हमें इतनी जल्दी इतने सारे लोग मिल गए मेंबरशिप में, छोटा सा शहर, छोटा सा जिला, तो भारत में तो कितना बड़ा इलाका है। हम ये करेंगे, यही हमारा संकल्प है, और ये संकल्प के साथ हम सपना देख रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करने आया कि हमारे इस संकल्प की पूर्ति में आप सब मदद करें, तो आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, आप हमारी शक्ति बन सकते हैं, आप हमारे हाथ बन सकते हैं। कैसे? आप हमारे इस संगठन में आ जाइए, शामिल हो जाइए। ये संगठन का उद्देश्य क्या है मैंने बता दिया, व्यवस्था परिवर्तन। हमने तय किया है कि अपने लिए हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमने दूसरा संकल्प लिया है कि सत्ता और सिंहासनों पर जो बैठे हुए हैं,
इनको तो ठीक और दुरुस्त हम करके ही मानेंगे। भारत स्वाभिमान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन चुनाव लड़ने वालों की नाक में नकेल डालकर उनको मथेगा, ये जरूर करेगा भारत। ये हमारा तय है। तो आप हमारी शक्ति बनिए, इस संगठन में शामिल हो जाइए। बहुत आसान तरीका है, एक फॉर्म हमारे संगठन का है, वो भर दीजिए, उसमें नाम पता फोन नंबर आपका हमारे पास आ जाएगा, कुछ न्यूनतम शुल्क है वो दे दीजिए, हमारे ट्रस्ट का उससे काम चल जाएगा। दूसरा, जब आप संगठन में शामिल हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, कुछ ट्रेनिंग आपकी हरिद्वार में होगी, कुछ ट्रेनिंग यहीं पर होगी। जब आप हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी जी आपको ट्रेनिंग देंगे, यहाँ ट्रेनिंग होगी तो मैं आऊँगा या कोई और पदाधिकारी आएगा, तो दोनों तरह से आपको ट्रेन करेंगे। और जो 9 विषय हमारे हैं, इन 9 विषयों पर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप गांव-गांव जाकर इन सब बातों को विस्तार के साथ लोगों को समझा सकेंगे और कन्विंस कर सकेंगे। आप जब घूमने लगेंगे गांव-गांव तो वातावरण निर्माण होगा, उस वातावरण की निर्माण में से जो ऊर्जा निकलेगी वो इस देश को संपूर्ण आज़ादी दिलाएगी, स्वतंत्रता दिलाएगी, स्वराज्य की स्थापना कराएगी। ये हमें करना है, और इसके लिए लक्ष्य तय किया है 5 साल, ज़्यादा नहीं, 5 साल, 1914 तक हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति करनी है। ऐसा नहीं कि इसको अनंत काल तक चलाना, और उम्मीद है कि ये 2014 तक इसके लक्ष्य की पूर्ति करनी है। अभी 2009 है, उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि तेजी से हम बढ़ रहे हैं। और भारत में हम बढ़ रहे हैं ये तो एक बात है ही, भारत के बाहर और तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के बाहर जो विदेशी, जिनको हम NRIs कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनकी संख्या भी 4 करोड़ है। अभी 2 करोड़ NRIs हैं, 2 करोड़ PIOs हैं, PIOs माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2 करोड़ हैं, और NRIs 2 करोड़, 4 करोड़ हैं। और इनकी ताकत तो आप जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मित्तल, इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान की कितनी कंपनियों को जेब में रख के चल सकता है वो आज। तो लक्ष्मी नारायण मित्तल आपको मालूम है भारत स्वाभिमान संगठन के मेंबर हैं, सदस्य। सबीर भाटिया का नाम सुना आपने, जिसने सारी दुनिया को ईमेल करने का तंत्र उपलब्ध करा दिया, वो भारत स्वाभिमान के मेंबर हैं। ऐसे भारत के बाहर जो ताकतवर लोग हैं, जिनको हम NRIs और PIOs कहते हैं, जिनका एक फोन खड़क जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर नीचे होने लगता है, वो लोग अब हमारी ताकत बन रहे हैं। और बन ही नहीं रहे हैं, जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा करके दे रहे हैं। इंग्लैंड में कुछ NRIs लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इतनी जल्दी आपस में फंड इकट्ठा किया कि स्कॉटलैंड में करीब 700 एकड़ का पूरा टापू खरीद के भारत स्वाभिमान को दान में दे दिया। 700 एकड़ का पूरा टापू समुद्र के बीच में इंग्लैंड के ही लोगों ने कर दिया। अमेरिका में ह्यूस्टन में कुछ भारतवासी इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने हजारों हेक्टेयर जमीन ले ली भारत स्वाभिमान के लिए। अफ्रीका में भारतवासी खड़े हो रहे हैं, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, रोडेशिया में, जिम्बाब्वे में, इन सब देशों में भारतवासी हैं, वो खड़े हो रहे हैं और हजारों हजारों हेक्टेयर जमीनें खरीद के भारत स्वाभिमान के लिए दे रहे हैं। एशिया के देशों में हो रहा है, तो ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हो रहा है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ये काम हमारा चल रहा है। तो इसलिए उम्मीद है, भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि आपको हम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे रबड़ी देंगे, क्योंकि आप जो करने की बात कह रहे हो वो 62 साल में किसी ने कहा नहीं और करने का तो प्रयास किया नहीं। 62 साल आज़ादी के इस देश में हुए, एक संगठन बना था जयप्रकाश जी का, जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये था कि 2.5-3 साल में वो जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से ख़त्म भी हो गया। उसके अलावा कोई संगठन नहीं, कोई संस्था नहीं जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात की हो। गांधी जी बात करते थे आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद नहीं। तो आज़ादी के बाद अगर
लोगों को लगता है कि आपका ही संगठन है भारत स्वाभिमान जो ये बात कह रहा है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, सत्ता बदलने से अब कोई फायदा नहीं है, व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हम ये कर पाएंगे। बाहर भारत में, भारत से बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं ना, उनका दिल आपसे ज़्यादा धड़कता है इस देश के लिए। वो बोलते हैं कि आप बताइए करना क्या है, हमने एक योजना बनाई है और भारत के बाहर रहने वाले भारतवासियों से उस पर बात कर रहे हैं। एक एक भारतवासी, जैसे एलएन मित्तल है, सबीर भाटिया है, एक्स वाई जेड, इनको हम कह रहे हैं कि आप 100-100, 200-200, 300-300 गांवों को गोद ले लो, 1000 गांवों को गोद ले लो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, और इन 1000 गांवों को एक एक व्यक्ति गोद लेके इनको खड़ा कर दे, इनकी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, रोजगार की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे, तो बिना सरकार की मदद के ही देश खड़ा हो जाता है। और वो तैयार है। आपको सुन के हैरानी होगी, हर दिन 500 ईमेल आते हैं भारत स्वाभिमान के नाम से विदेशों से, 500 ईमेल, और मैं उनको छांटने में ही व्यस्त रहता हूं कि किसको क्या जवाब देना। सब ईमेल में एक ही बात है, आप बोलो करना क्या है। 100 गांव मेरी तरफ से, कोई कहता 1000 गांव मेरी तरफ से, कोई कहता 2000 गांव मेरी तरफ से, तैयार बैठे हैं लोग, बस वो कह रहे हैं आदेश है आपका, जिस दिन मिलेगा हम लग जाएंगे। और स्वामी जी ने कह रखा है कि बस अभी थोड़ा सब्र करो 5 जनवरी 2010 तक, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होने की तैयारी में है। तो हम तो उम्मीद बहुत, आशा बहुत लेके इस काम में चल रहे हैं। 200% मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये काम होने वाला है। आपके सामने मैं यही कहने आया हूँ कि काम तो ये होने वाला है, अब आप निमित्त बने तो भविष्य आपको इतिहास में याद रखेगा। काम तो होने वाला, आप निमित्त नहीं बनेंगे तो इतिहास आपको वैसे याद रखेगा जैसे मीर जाफर को याद करते हो, अमी चंद और जयचंद को याद करते हैं। और आप निमित्त बन गए तो भविष्य का इतिहास आपको ऐसे याद करेगा जैसे भगत सिंह को, ऊधम सिंह को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को, तांत्या टोपे को हम याद करते हैं। और ये होना क्यों है? क्योंकि ईश्वर की कोई योजना है, ये हमारी नहीं है। हम तो मानते ही नहीं कि हम में कोई अकल और बुद्धि है, हम तो मानते हैं कि वो ऊपर वाला है जो हमको अकल दे रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, इस रास्ते पे चलो। नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें दिमाग में आती हैं, वो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कोई योजना है, शायद ईश्वर कुछ हमसे करवाना चाहता है, या पुराने समय में हम लोग कहीं कुछ करने की तैयारी में लगे हुए लोग थे जो काम नहीं पूरा हो पाने पर मर गए, शहीद हो गए, स्वर्गवासी हो गए, अब वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए फिर इकट्ठे हो गए, ऐसे ही लगता है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत स्वाभिमान में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य जो शामिल हो रहा है, ये भूतकाल की कोई शहीद आत्मा है जो कोई अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर आई है। हर बार मुझे ऐसा ही लगता है, वरना कहां कहां एक दूसरे से बिल्कुल अनजान भिन्न प्रकृति के लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, करोड़पति भी हो रहे हैं, रोडपति भी हो रहे हैं, सब एक साथ मिलके आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो शायद ईश्वर की कोई योजना है और भारत माता का कुछ अच्छा होने जा रहा है, वो ईश्वर की योजना है, वही करवा रहा है, हमें तो उसने निमित्त बना दिया है। और आप अगर अपने को ये मान के चलते हैं कि आप इस योजना में निमित्त मात्र हैं, तो करने का अहंकार आप में नहीं आएगा और शायद इस काम को आप कर जाएंगे। करने का अहंकार जिस दिन आ जाता है, काम पीछे छूट जाता है, अहंकार आगे चला जाता है। हम मान के चलें कि हम तो निमित्त हैं, करवाने वाला तो कोई और है, योजना बनाने वाला तो कोई और है, वो हमारी मदद के लिए खड़ा है। तो यही कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप निमित्त मात्र ही इस संगठन से जुड़ें, हमारी संख्या इस संगठन की इतनी बढ़े कि पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श बने। परम पूजनीय स्वामी जी ने घोषणा की है कि जिन जिलों में 1100 से ज़्यादा सदस्य बनेंगे भारत स्वाभिमान के विशिष्ट, उनमें ही मैं पहले जाऊँगा। तो बैतूल एक ऐसा जिला है जहाँ ये संभावना दिख रही है और आप इसको अगले 6 महीने में पूरा कर देंगे, ऐसा विश्वास मुझे ये है। आप जितने बैठे हैं आप ही हो जाएंगे तब ये योजना तुरंत पूरी हो जाएगी।
तो आप इस दृष्टि से सोच के चलें, हमारे सदस्य बने, इस संगठन में शामिल हों। और दूसरा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि इस पूरे अभियान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें अपने आप को, तो हर व्यक्ति हमारी बात मानेगा। हम अगर आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। एक काम तो हम सामूहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में, वो ये है कि स्विस बैंक का पैसा लाना, टैक्स सिस्टम को बदलवाना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, सब सिस्टम को बदलने का काम सामूहिक है, वो हम साथ में करेंगे। उसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी लड़ेंगे। लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है, वो भी हमें करना पड़ेगा, तभी सामूहिक करने की ताकत हम में पैदा होगी। व्यक्तिगत काम क्या करना है? जिस काम को हम अपेक्षा करते हैं दूसरे करें, उसको पहले हम खुद करें, तभी हमारी बात कोई मानेगा। तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आप क्या कर सकते हैं? भारत स्वाभिमान का एक सूत्र वाक्य है, जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो, विचारों में जितना हो सके उतनी ऊंचाई रखो। ये भारत स्वाभिमान मान के चलता है। आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजाकर धारण करें, अपने जीवन में सादगी लाएं, कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं, क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है, तभी देश बड़ा होता है। हम अपने को छोटा कैसे बना सकते हैं? देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप जानते हैं। सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण इस देश को उदारीकरण में फंसा दिया। जिस भारत पर एक पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था, इस समय भारत पर 18 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया। कर्जा जब ज्यादा हो जाता है देश पर, तो इसका ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, ब्याज देने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, नया कर्ज लेने के लिए रुपए की कीमत गिरानी पड़ती है, कीमत गिराने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है, हमारा निर्यात बहुत कम होता जाता है, आयात का खर्चा बढ़ता जाता है, निर्यात आयात का घाटा जो हो तो वो नया कर्ज लेने के लिए हमको मजबूर करता है और हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र से देश को निकालिए। कैसे निकालेंगे? हमारे देश पर अगर कर्जा बढ़ गया है, इस देश को दुष्चक्र से निकालना है, तो इसका सरल उपाय है कि जब घर पर कर्जा बढ़ जाता है तो घर का खर्चा कम किया जाता है। तो देश पर कर्जा बढ़ गया है, देश का खर्चा कम करिए, अपनी जिंदगी से उसकी शुरुआत करिए, अपनी जिंदगी से खर्चे कम करिए, फालतू खर्चे मिटा दीजिए। जितना फालतू खर्चा आप कम करेंगे, पैसा उतना ही बचत में ज्यादा होगा, और देश की बचत जितनी बढ़ेगी, विकास के लिए पूंजी वहीं से ज्यादा मिलेगी। हमारी सरकार बार बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है। पूंजी देश में उपलब्ध करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिए जाएं। खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं, फालतू खर्चे ना करें। कहां से शुरू करें? सवेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं, उसको कम करें। सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का। एक साल में 90,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम। ये पीना बंद करें, 90,000 करोड़ देश का बचेगा। आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत आसान है, संकल्प ले लीजिए। जीवन में कुछ भी चीज बदलती है आप तय कर लीजिए। चाय कॉफी बंद कर देंगे, दो फायदे हैं, एक तो आपके शरीर को, दूसरा देश को। आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी। पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी, रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी पीने से 80 बीमारियां आती हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या पिए? दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, आंवले का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए। कुछ कमी है क्या अपने पास? और चाय कॉफी इसलिए भी बंद करिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी इस देश में चाय और कॉफी, और इसी से गुलाम बनाया था पूरे देश को। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय ही बेची थी इस देश में,
और फोकट में पिलाई थी पहले चाय, फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया। तो बंद कर दीजिए ये चाय कॉफी, दूध पी लीजिए। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब हिंदुस्तानी चाय कॉफी छोड़े और दूध पिए और 90,000 करोड़ का दूध ज्यादा बिके तो 20 करोड़ गाय या भैंस पालनी पड़ेगी तब ये दूध पैदा होगा। और 20 करोड़ गाय भैंस पालनी है तो सारे कतल खाने बंद करने पड़ेंगे तभी ये हो पाएगा। कतल खाने बंद होंगे तो मांस निर्यात बंद होगा, पशुओं की जान बचेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारा काम आसान होगा। दूसरा, पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा। 4 से 5 लाख करोड़ की खाद हम बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के गोबर से, और 2 से 2.5 लाख करोड़ का कीटनाशक बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के पेशाब से। माने कुल मिलाकर 6 से 7 लाख करोड़ की आमदनी देश की बढ़ा सकते हैं जानवरों को बचा करके। और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रैक्टर में हो रहा है खेत जोतने के लिए, उनके लिए बैलों की उपलब्धता करा सकते हैं गाय और भैंस की संख्या बढ़ा करके। इतने फायदे होते हैं पूरे देश को अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिए, आसान है। फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी? जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए उसमें, धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीना पत्ता डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। या अर्जुन की छाल ले आइए, बाजार में मिलती है 20 रुपये किलो में आती है, चाय तो 150 रुपये किलो की है। अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए, या तो दिव्य पे एक आता है पतंजलि योग पीठ का, वो चाय कॉफ़ी की तरह से पी लीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए, खाली पानी उबाल के पी लीजिए, बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। तय करिए संकल्प के रूप, पैसा बचाइए देश का, देश को ज़रूरत है आपके पैसे की। इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में, सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं, पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, 1,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का, ये बंद कर दीजिए। दातुन करिए, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन, सभी दातुन टैक्स फ्री हैं, कॉस्ट फ्री है, किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है, और हर दातुन हर जगह मौजूद है। दांत भी साफ होंगे, मसूड़े मजबूत बनेंगे, मुफ्त में काम आपका हो जाएगा। नहीं तो दंत मंजन कर लीजिए, दंत मंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं। टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए, मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला, 15 साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे, माने 60 साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया, 1,46,000 रुपये उसने खर्च कर दिया एक आदमी ने खाली टूथपेस्ट कर। और होता कैसे है, एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है, काजू 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो, गाय का घी 150 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख लोग हैं, गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते और सोचते हैं बड़े स्मार्ट है। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो, वो कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ ये पेस्ट को थूकते क्यों हो, इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि घी से तो महंगा है। तो ये मूर्खता मत करो, बंद करो ये सब पेस्ट। और आपको एक गंभीर बात बताता हूँ, मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का, क्लोजअप का, पेप्सोडेंट का, सिवाका का, फॉरहेंस का, सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया और पता ये चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। कोई गाय की हड्डियों से बनता है, कोई भैंस की हड्डियों से, कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से, कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुँह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं बताइए, बंद करिए इनको। और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है,
झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है, वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है, वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, और ये कैंसर करता है। इसलिए पेस्ट मत करिए, दंत मंजन करिए, दातुन करिए, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में। भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाएं, शेविंग क्रीम इस्तेमाल न करें, बहुत पैसा बचेगा देश का। फिर आप बोलेंगे क्या करें, स्वामी रामदेव जी हो जाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, शेविंग करना ही ना पड़े। और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाएं। तो तरीका क्या है, थोड़ा गर्म पानी ले लें, चेहरे पे मालिश कर लें, थोड़ा दूध ले लें, चेहरे पे लगाएं और रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है। थोड़ा दही ले लें, दही लगाएं और दाढ़ी बनाएं, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। थोड़ा तेल ले लें, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं, रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है। मैं 10 साल से ये करता हूँ और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ हो जाता है, चेहरा साफ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, कल से शुरू कर दीजिए। और आप अकेले मत करिए, दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ, दाढ़ी दही से बनाओ, तेल से बनाओ, शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ, हजारों करोड़ बचता है। और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्चा है। फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं, उससे अच्छा है 4 किलो बादाम खरीद के खाएं। और वो क्रीम आप 1 किलो लगाना या 100 किलो, जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। एक भैंस को मैंने 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी तक काली की काली। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से। जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए। उल्लू बनाते हैं आपको, छोड़िए इसको, बेकार है। इसको छोड़ेंगे, दूसरी क्रीम छोड़ेंगे, कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे, साल में 56,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो 6,60,000 करोड़ रुपए बचता है। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्प्रिन, कोल्डारिन, एनासिन, ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत आसान काम है, बीमार पड़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी। आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका है, हाँ रोज प्राणायाम करो, योग करो, बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने सारी दुनिया को यही सिखा दिया। आपको मालूम है स्वामी जी कब से बीमार नहीं पड़े? एक दिन मैंने पूछा तो कह रहे थे कि जब से गुरुकुल छोड़ा तब से बीमार नहीं पड़ा। गुरुकुल छोड़े सालों साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं पड़े? तो कहते रोज प्राणायाम करता हूँ, रोज योग करता हूँ, बीमार होने का सवाल ही नहीं, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहता है प्राणायाम करने से। तो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अखबार वाले कई बार जो है ना मुझे फोन करते हैं, अखबार वाले बड़े टेढ़े लोग होते हैं, वो कहते राजीव भाई एक खबर हमें नहीं मिली आज तक, बाबा कब बीमार पड़ा, खबर चाहिए उनको। और वो कहते हम फ्रंट पेज पे छापना चाहते हैं। मैंने कहा जिंदगी भर इंतजार करो, ये खबर कभी नहीं आएगी आपके पास, आने वाली नहीं, क्योंकि वो बीमार पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि रोज या प्राणायाम जो आदमी करे, योग करे, बीमार पड़ ही नहीं सकता। तो आप भी प्राणायाम करो, योग करो। बैतूल में अच्छी कक्षाएं लगती हैं, कई योग शिक्षक यहाँ सिखाते हैं और निशुल्क सिखाते हैं, और घर घर जाके आपको ढो ढो के लाते हैं,
क्या मुश्किल है आपको, थोड़ा आलस से थोड़ी तंद्रा दूर कर दो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, पार्कों में इकट्ठे हो जाओ, स्कूल में इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, सीख लो उनसे, दूसरों को सिखा दो। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, भस्त्रिका सीख लो, कपालभाति सीख लो, अनुलोम विलोम सीख लो, उद्गीत सीख लो, प्रणव सीख लो, 7-8 प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं, और रोज आधा पौना घंटे करना शुरू कर दो। एक ही दिन में कोई सीख सकता है, आप तो टीवी के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं, इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है, बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायब। और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा के केंद्र खुले हुए हैं, जगह जगह पतंजलि योगपीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं, वहाँ वैद्य बैठे हुए हैं, उनसे जाके परामर्श ले लो, सारा परामर्श निशुल्क है, कोई फीस वो लेते नहीं है। दवा लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो, रसोई घर में सब दवाएं हैं, जीरा है, धनिया है, मेथी है, काली मिर्च है, फिर आपकी सब तरह की खाने पीने की सब्जियां हैं, दालें हैं, फिर शहद है, फिर घी है, ये सब दवाएं हैं आपके पास, इनका उपयोग करना सीख लो। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा, बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने, वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है, वो खरीद लो, जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है, सब जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूँ, किडनी फेलियर, दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतज़ार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सर दवा है, जिसका मैंने हजारों मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा, पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस, सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब ये बताओ पीपल कहाँ नहीं मिलता, और ये बताओ नीम कहाँ नहीं मिलता। अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में, बस इसको जानने की जरूरत है। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ पूछ कर जानना शुरू कर दो, नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़ कर जानना शुरू कर दो, अपने जीवन में प्रयोग करो, दूसरों को बताओ। तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का 6.5 लाख करोड़ का खर्चा बचे। और एक आखिरी निवेदन कहना चाहता हूं उनसे जो खेती करते हैं और किसान हैं और यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना खर्चा बचाएं। यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट जो खेत में आप डालते हो, लाखों करोड़ों का खर्चा इसमें भी है। एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए खर्च होता है जब यूरिया हम खेत में डाल देते हैं, ये खर्चा बचाओ, और इसके स्थान पर गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेतों में डालना शुरू करो। आप शिकायत करोगे कि गाय भैंस के गोबर से उपज कम मिलती है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, भरपूर उपज मिलती है, बस डालने का तरीका मालूम होना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, गाय बैल भैंस का गोबर सुखाते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने सूखता है, सूखने के बाद खेत में डालते हैं, इससे उपज नहीं मिलेगी। उपज अगर लेनी है अच्छी, उत्पादन ज्यादा लेना है, तो गोबर को गीला करके डालो खेत में, बस इतनी सी बात है। गोबर जब गीला डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, जब गोबर सूखा डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या सैकड़ों में होती है। खेत की मिट्टी में सारा खेल जीवाणु करते हैं, उनकी संख्या जितनी ज्यादा आप बढ़ा दोगे, उत्पादन उतना ही खेत में ज्यादा मिलेगा। हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा किसान हैं जो गाय, बैल, भैंस का गोबर गीला करके खेत में डालते हैं, और करोड़ों किसान हैं जो सूखा डालते हैं, दोनों का ही तुलना करता हूँ। जो किसान गाय, बैल, भैंस का गोबर गीला करके डालते हैं, उनके 1 एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है, और जो सूखा डालते हैं उनके खेत में 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा गन्ना कभी पैदा ही नहीं होता। जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 12 कुंटल गेहूं होता है, जो गीला करके डालते हैं उनके खेत में 25 कुंटल गेहूं होता है।
जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 2.5 क्विंटल कपास होता है 1 एकड़ में, और जो गीला करके डालते हैं उनको 7 क्विंटल कपास होता है 1 एकड़ में। हर एक उत्पादन ज्यादा मिलता है। गोबर को गीला करके डालो बस। अब गीला कैसे करना है? गोबर ले लो, गाय का मूत्र ले लो, भैंस का ले लो, बैल का ले लो, कोई भी जानवर का गोबर और मूत्र ले लो। मूत्र में गीला करो पहले, 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र मिला लो आपस में, फिर 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो किसी भी दाल का आटा डाल दो, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, और 1 किलो खेत की मेड़ की मिट्टी उसमें डाल दो। ये पांचों चीज़ों को मिलाकर एक ड्रम में रख दो, 15 दिन तक रखना, 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें 200 लीटर पानी मिलाना, पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ ये खेत की मिट्टी में छिड़क दो, उत्पादन जबरदस्त आएगा, बहुत उत्पादन आएगा। अब अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी जब खेत में लगाते हो तो पानी में मिला दो, तो सब पौधों की जड़ों को ये मिल जाएगा। अब ये जो गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा और मिट्टी का घोल है, इसमें क्या है? इसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इस खाद में, और इतने ही तत्वों की जरूरत है मिट्टी को। और जो जरूरत आप मिट्टी की पूरी कर दें तो मिट्टी तो सोना देती है, ये मोटी सी बात है। तो किसान लोग इस तरह से खेती करना शुरू करें, खाद का, यूरिया, डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बचेगा। और खेत में कभी कीड़ा आ जाए तो कीड़े को मारने के लिए गाय का मूत्र स्प्रे कर दो, कीड़ा भाग जाएगा एक बार में। और ज्यादा मजबूत कीड़ा आ जाए जो नहीं भागे, तो उसके लिए ऐसा करो कि गाय के मूत्र में 20 लीटर गाय के मूत्र में 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी मिला दो, 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी मिला दो, 2.5 किलो आंकड़ा के पत्ते की चटनी मिला दो, 2.5 किलो सीताफल के पत्ते की चटनी मिला दो, 0.25 किलो तंबाकू के पत्ते की चटनी मिला दो। वो सारे पत्तों की चटनी बना के गोमूत्र में मिला दो जिनको गाय नहीं खाती। बस इतना याद रखो, कितने भी तरह के पत्ते जिनको गाय नहीं खाती उनको पीस के गोमूत्र में मिला दो, मूत्र को उबाल लो, उबाल के उसमें पानी मिला दो 200-250 लीटर। अब ये घोल तैयार हुआ, इसको खेत में स्प्रे कर दो, खराब से खराब कीड़ा 48 घंटे में या तो मर जाएगा या भाग जाएगा, एक पैसा भी आपको बाजार में जाके खर्च करने की जरूरत नहीं। तो किसान खेती में खर्चा बचाएं, शहर में रहने वाले परिवार का खर्चा बचाएं, कुल मिलाकर देश में 15-20 लाख करोड़ रुपए अगर हमने बचत कर ली तो इसी से सेविंग्स हमारी बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक सेविंग, और उसके बढ़ते ही पूंजी की कमी पूरी हो जाएगी, और पूंजी की कमी पूरा हुआ तो हमें कटोरा लेके दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हम स्वदेशी और स्वाभिमानी राष्ट्र अपने को बना पाएंगे। जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। तो इस भारत को एक स्वाभिमानी देश बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, स्वदेशी बनाना है, स्वयंपूर्ण बनाना है, वैभवशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, संपत्तिवान बनाना है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मिटाना है। ये सब करने के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। आप सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो जरूर ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, महापुरुषों ने देखा था, और आज हम देख रहे हैं। यही कहकर मैं मेरे व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ। आपको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने शांति से सुना जो कुछ मैंने कहा है। अगर ये बातें दूसरों को आप कहेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा।